हरे कृष्णा, आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम भक्ति रसामृत सिंधु में। इस कार्यक्रम में हम भक्ति रसामृत सिंधु, जो कि एक प्रसिद्ध वैष्णव ग्रंथ है, उसका गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। भक्ति रसामृत सिंधु मूल ग्रंथ का नाम है, उस पर अंग्रेजी में सारांश अध्ययन इस्कॉन के फाउंडर आचार्य शिला एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने कई वर्ष पहले किया था। उस पुस्तक का नाम हुआ था दी नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो उस नेक्टर ऑफ डिवोशन पुस्तक के ऊपर उसका हिंदी अनुवाद आया, तो उस हिंदी अनुवाद का नाम भी भक्ति रसामृत सिंधु ही रखा गया। तो नेक्टर ऑफ डिवोशन अलग अलग अध्यायों में लिखी हुई है, लगभग 50 से ऊपर अध्याय है इस पुस्तक में। और मूलतः इस्कॉन संस्था में पहले 19 अध्यायों का अध्ययन कराया जाता है इस पुस्तक का, क्योंकि तो वे एक आरंभिक भक्त के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो मूल रूप से उन्हीं का अध्ययन कराया जाता है। पर यदि किसी को पढ़ना हो तो बाकी के अध्याय भी पढ़े जा सकते हैं। तो हम भी उन्हीं 19 अध्यायों का अध्ययन का ये कार्यक्रम है। आज हम अपना जो अध्ययन है वो अध्याय 2 पर आगे बढ़ाएंगे। भाग 1 पर हम कक्षा पहले कर चुके हैं, आज उसी अध्याय को पूर्ण करेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है भक्ति की प्राथमिक अवस्थाएं। कुल मिलाकर हमारी आज की ये 9वीं कक्षा है। इससे पूर्व की कक्षाओं को यदि आपको सुनना हो तो हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल गीता ऑनलाइन स्टडी पर आप जाकर पिछली कक्षाएं सुन सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको नेक्टर ऑफ डिवोशन हिंदी के नाम से मिल जाएगा, तो वहां आप पूर्व की कक्षाएं जो है सुन सकते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु को, इस पुस्तक को वैसे भक्ति योग का संपूर्ण विज्ञान कहा गया है। जब हम यहाँ विज्ञान शब्द का उपयोग करते हैं तो विज्ञान शब्द का मतलब है कि किसी भी विषय की बड़ी एक तरह से सिस्टमेटिक उसका अध्ययन, बड़ा बारीकी से और बड़ा ही विशिष्ट प्रकार से उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे आपने अपने स्कूल कॉलेज के दिनों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इस प्रकार के जो विषय होंगे पढ़े होंगे, तो आपको देखा होगा कि बड़ा ही सिलसिलेवार तरीके से, बड़ा ही बारीकी से, गहराई से उसको पढ़ाया जाता है। तो इसी तरीके से इस पुस्तक में भक्ति योग जैसे एक बड़े ही गूढ़ विषय को एक वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया गया है। तो अध्याय 2 का हम अध्ययन अपना आज जारी रखेंगे। कक्षा का आरंभ करेंगे हम मंगलाचरण प्रार्थनाओं से। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरो श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। भक्ति रसामृत सिंधु हमारी इस पुस्तक के अध्ययन में हम अभी इस स्लाइड से पिछली कक्षा तो हमने एक प्रश्नोत्तरी करी थी आप सबके लिए, लेकिन प्रश्नोत्तरी से पहले जो हमने कक्षा करी थी 18 सितंबर को, उस कक्षा का सारांश आज मैं आपके सामने यहाँ पहले प्रस्तुत करूंगा। थोड़ा सा अधिक समय लेंगे क्योंकि बीच में 18 सितंबर के बाद थोड़ा 2-3 हफ्ते का एक विश्राम आ गया था, मेरा स्वास्थ्य कुछ अच्छा नहीं था, तो थोड़ा सा समय 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे ताकि
आपको वो जो कक्षा में हमने चर्चा करी वो आपको पुनः एक बार फिर से स्मरण हो जाए, ताकि आज की कक्षा की जो चर्चा हम करें उसमें कोई अवरोध आप अनुभव ना करें। तो हमने 19 सितंबर को जो कक्षा आरंभ करी थी उसमें हमने अध्याय 2 यानी कि भक्ति की प्राथमिक अवस्थाएं, इस अध्याय पर हमने अपनी चर्चा करी थी। तो उस चर्चा में हमने इस अध्याय के जो मुख्य बिंदु हैं आरंभ में जो बताए गए हैं उन पर बात करी थी। तो इस अध्याय में सबसे पहले जो अध्याय 1 का जो मूल विषय था, इस पुस्तक का जो अध्याय 1 है उसमें जो उसका विषय था वो था शुद्ध भक्ति के लक्षण। तो शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण हमने उन पर चर्चा करी। तो अध्याय 2 के आरंभ में उसी शुद्ध भक्ति के लक्षण विषय पर कुछ छोटी मोटी कुछ बातें जो बची कुची रह गई थी उनको यहाँ पर आरंभ में बताया गया। तो क्या बात बताई गई थी? भक्ति के 6 लक्षण भक्ति की प्रत्येक कोटि में दो दो करके प्रकट होते हैं। भक्ति के 6 लक्षण भक्ति की प्रत्येक कोटि में दो दो करके प्रकट होते हैं। तो भक्ति के 6 लक्षण कौन से हैं? भक्ति के 6 लक्षण थे क्लेश अग्नि, उसके बाद शुभदा, उसके बाद मोक्ष लघुताकृत, सुदुर्लभा, फिर सांद्रानंद विशेषात्मा, और फिर श्री कृष्ण आकर्षिणी। तो ये 6 लक्षण थे। और भक्ति की अलग अलग कोटियां कौन सी हैं, अलग अलग अवस्थाएं कौन सी हैं? तो हमने आपको बताया था कि भाई भक्ति की 3 कोटियां हैं, साधन भक्ति, उसके बाद भाव भक्ति, और उसके बाद प्रेमा भक्ति। तो साधन भक्ति का मतलब है अभ्यास में भक्ति, भाव भक्ति का अर्थ है कि जब भगवत कृपा हो जाती है और हृदय में भगवत भगवान का भाव या भाव भगवान के प्रति भाव है जो है वो प्रकट होने लगता है, और उसके बाद जब यही भाव जो है वो प्रगाढ़ हो जाता है, एकदम गूढ़ हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तब आती है प्रेमा भक्ति की अवस्था। तो इस प्रकार से भक्ति की 3 अवस्थाएं हैं, 3 कोटियां हैं, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, और भक्ति के शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण हैं। 6 लक्षण मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो दो दो करके ये प्रत्येक कोटि में ये लक्षण जो है वो प्रकट होते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? यानी के साधन भक्ति जो प्रथम अवस्था है, जो आरंभिक अवस्था है, उसमें भक्ति के 2 लक्षण प्रकट होते हैं। कौन कौन से? यहाँ देखिए, क्लेश अग्नि और शुभदा। क्लेश अग्नि और शुभदा, ये 2 लक्षण हमारे भक्ति के प्रकट होते हैं। देखिए, क्लेश अग्नि और शुभदा ये पहली कोटि में प्रकट होते हैं, जिसको साधन भक्ति कहा जाता है। उसके बाद साधन भक्ति करते 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 हृदय में भगवान की कृपा से एक दिन भगवान के प्रति भाव जो है वो हृदय में जागृत होता है। तो फिर 2 लक्षण और प्रकट होते हैं। ये 2 लक्षण क्या है? मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा। मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा, ये भाव भक्ति के स्तर पर प्रकट होते हैं। तो भाव भक्ति के स्तर पर हमारे पास अभी कुल मिलाकर 4 लक्षण हो गए, क्लेश अग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा। लेकिन भाव भक्ति विशेष के स्तर पर ये 2 अतिरिक्त लक्षण जो है वो प्रकट होने लगते हैं। उसके बाद फिर ये भाव भक्ति और समय के साथ साथ धीरे धीरे और प्रगाढ़ हो जाती है और गाढ़ी हो जाती है, और फिर 2 लक्षण और प्रकट होते हैं। वो लक्षण क्या है? सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षिणी। ये जिस अवस्था में प्रकट होते हैं उसको कहते हैं प्रेमा भक्ति। तो भाव भक्ति में ये जो भगवान के प्रति जो भाव है, भगवान के प्रति जो प्रेम है, उसकी एक समझ लीजिए छोटी सी किरण जो है हमारे हृदय में उपस्थित होती है। लेकिन जब ये और गाढ़ी हो जाती है तो यही भाव जो है बहुत प्रचुर मात्रा में हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है, उसको प्रेमा भक्ति की अवस्था कहते हैं। तो अध्याय 2 के आरंभ में हमने ये जो चर्चा अध्याय 1 से जो आरंभ हमने करी थी उसका एक प्रकार से यहाँ पर समापन किया गया था। लेकिन एक दो बातों का और हमने चर्चा करी इस अध्याय के आरंभ में, वो क्या थी? भक्ति के लिए योग्यता क्या है, शुद्ध भक्ति की योग्यता क्या है? कोई पूछता है जैसे योग्यता से मतलब क्या है कि भाई यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो जो कॉलेज जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो एक योग्यता का क्राइटेरिया बनाता है कि भाई आपने अपने इंटर के एग्जाम में फिजिक्स का एग्जाम लिखा हो, केमिस्ट्री का एग्जाम लिखा हो, गणित लिखा हो एग्जाम में, और उनमें आपके लगभग 60% से ऊपर नंबर आए हो, अच्छे नंबर आए हो, इस प्रकार से एक योग्यता होती। तो
इसी प्रकार से शुद्ध भक्ति के लिए कौन व्यक्ति योग्य है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो शुद्ध व्यक्ति शुद्ध भक्ति करने के लिए जिसको काबिल माना गया है शास्त्रों के अनुसार, रूप गोस्वामी जी के अनुसार। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि इस शुद्ध भक्ति के लिए योग्यता क्या है, वह व्यक्ति जिसको शुद्ध भक्ति में रुचि आए। रुचि आए मतलब जब वो शुद्ध भक्ति किसी अन्य भक्त को करता हुआ देखे तो उसको उसको आनंद आया, उसको एक आकर्षण हो, उसको लगे कि हाँ मैं भी, मुझे भी ये करना चाहिए, मुझे ये सब कार्यकलाप करने में अच्छा लगता है। तो ये जिसको रुचि आए यह उसकी योग्यता है। अब इस रुचि का और क्या अर्थ हम लगा सकते हैं, रुचि का वास्तव में अर्थ क्या है? विशेष रूप से रुचि का अर्थ है जिसका श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत या अन्य जो भक्ति के जो साहित्य हैं, भक्ति के जो पुस्तकें हैं, उनके प्रति आकर्षण। तो जब भगवत गीता हम पढ़ाते हैं तो कई ऐसे लोग होते हैं जिनको आकर्षण नहीं आता है, लेकिन कई लोग ऐसे मिलते हैं जिनको बहुत आकर्षण आता है। श्रीमद् भागवत की हम पठन पाठन करते हैं या पढ़ाते हैं तो जिन लोगों को बड़ा आकर्षण आता है वो एक प्रकार से पात्र हैं, योग्य पात्र हैं शुद्ध भक्ति को, शुद्ध भक्ति का अभ्यास करने के लिए, शुद्ध भक्ति का पालन करने के लिए। और ये रुचि कैसे आती है? ये रुचि आती है पूर्व संस्कारों से। पूर्व संस्कार का अर्थ क्या है कि मान लीजिए आपने अपने पूर्व के जीवन में यदि इस प्रकार की शुद्ध भक्ति करी है तो इस जीवन में वो कभी ना कभी ये जो लक्षण है, ये जो आपका शुद्ध भक्ति के प्रति जो आकर्षण है, ये जब आप किसी अन्य भक्त को देखेंगे या किसी टेलीविजन में कोई प्रोग्राम देखेंगे या कहीं कोई प्रवचन सुनेंगे तो ये आकर्षण जो है वो पुनः एक बार फिर जो है हृदय के अंदर जागृत हो जाता है। तो जितना आकर्षण आपने अपने पूर्व जन्म में आपने विकसित किया या पूर्व आकर्षण जो है आपने अपने पूर्व जन्म में जितना उसका अनुभव किया, तो इस जन्म में उसी आकर्षण के स्तर से आप अपनी भक्ति की, शुद्ध भक्ति की प्रक्रिया को वो आगे बढ़ाते हैं। तो उसके बाद फिर आप भक्ति करने लगते हैं, भक्ति करने से फिर आपको और भक्ति में संतोष मिलता है, प्रेम आनंद मिलता है, तो फिर आप और भक्ति आपके अंदर फिर और करने की आपकी अंदर इच्छा होती है। तो भक्ति की इच्छा आपके अंदर रुचि जो है वो बढ़ने लगती है, और जब रुचि बढ़ती है तो आप और भक्ति करते हैं, और भक्ति करते हैं तो और रुचि बढ़ती है, फिर आप और भक्ति करते हैं। इस प्रकार से ये क्रम जो है वो चलता चला जाता है। लेकिन ऐसे भक्त का क्या जिसका अभी आकर्षण कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ है, कोई रुचि उत्पन्न नहीं हुई है, तो ये आकर्षण, ये जो पूर्व संस्कार है, कभी ना कभी तो इसका कोई ना कोई ऐसा समय रहा होगा पूर्व जन्म में कि ये कभी आरंभिक अवस्था से मतलब जीरो से या शून्य से वो आरंभ हुई होगी। तो ये ऐसा होता है कभी कभी, मान लीजिए हम बिना जाने अनजाने में ही कोई ना कोई भक्ति कार्य कर बैठते हैं और जिसकी हमें एक प्रकार से स्वीकृति मिलती है, और उस स्वीकृति के कारण वास्तव में हमारे अंदर भक्ति की रुचि जो है वो उत्पन्न होने लगती है। जैसे कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, कहीं सड़क पे जा रहा है, मार्ग में उसको कहीं ट्रैफिक लाइट मिलती है और वो रुकता है, और वहां पर कोई जो भक्त है वो कोई पुस्तक वितरण कर रहा है, भगवद गीता बांट रहा है या और कोई पुस्तक भक्ति की बांट रहा है। तो वो कहता है कि जी आप मेरे से पुस्तक ले लीजिए, मुझे कुछ थोड़ा सा चंदा दे दीजिए, इत्यादि इत्यादि। आपको लगता है कि पुस्तक पढ़ने में तो कोई बुराई नहीं, आप उसको चंदा दे देते हैं, पुस्तक लेते हैं, आकर घर पर पुस्तक खोलते हैं, पढ़ते हैं। तो आपने चंदा दिया, पुस्तक को पढ़ा, भगवान के थोड़ा सा निकट आए, इस प्रकार से आपके पूर्व, आपकी जो सुकृतियां हैं वो आरंभ हो गई। तो इस प्रकार ये संस्कार जो है इस प्रकार से विकसित होना शुरू होते हैं जाने अनजाने, और फिर धीरे 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 करके आपकी भक्ति जो है वो प्रगति करने लगती है। तो ये अध्याय दो पर आरंभिक चर्चा थी, जो पिछले अध्याय एक से शुद्ध भक्ति के लक्षणों से जो शेष थी वो यहाँ अध्याय दो के आरंभ में पूरी करी गई, की गई। अब अध्याय दो का जो मूल विषय है भक्ति की प्राथमिक अवस्थाएं, भक्ति की प्राथमिक अवस्थाएं उसके बारे में यहाँ पर अब चर्चा की गई है, आरंभ की गई है। तो सबसे पहले इस चर्चा के आरंभ में ये बताया गया है कि शुद्ध भक्ति वास्तव में तीन प्रकार की होती है, उस पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया। पहली भक्ति को कहते हैं साधन भक्ति, दूसरे प्रकार की भक्ति को कहते हैं भाव भक्ति, और तीसरे प्रकार की भक्ति को कहते हैं प्रेमा भक्ति। थोड़ी देर पहले मैंने आपको साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति इनके बारे में संक्षेप में थोड़ा सा
जानकारी दी। तो ये तीन प्रकार की शुद्ध भक्तियां हैं। तो साधन भक्ति का वास्तव में अभिप्राय क्या है? साधन भक्ति की हमने परिभाषा भी पिछली कक्षा में पढ़ी थी। तो साधन भक्ति की परिभाषा में हमने क्या पढ़ा? साधन भक्ति की परिभाषा में हमने पढ़ा कि ये वास्तव में इंद्रियों द्वारा और मन द्वारा ही ये की जाती है और इसका लक्ष्य होता है भाव भक्ति। लेकिन साधन भक्ति की परिभाषा पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा ये भी जानेंगे कि साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति वास्तव में मुख्य रूप से क्या है। तो साधन भक्ति अर्थात भक्ति का अभ्यास, भाव भक्ति अर्थात भावमय प्रेम में भक्ति, जब हृदय में भाव उत्पन्न होने लगे भगवान के प्रति, तो यह भाव में प्रेम में भक्ति। और प्रेम भक्ति क्या है? शुद्ध भगवत प्रेम में भक्ति। जब यही भाव जो है थोड़ा और गाढ़ा हो जाता है तो उसको भगवत प्रेम में भक्ति कही जाती है। तो साधन भक्ति मतलब अभी हमारे अंदर भगवान के प्रति ना तो भाव है, ना ही हमारे भीतर जो है भगवान के प्रति जो है वो स्वाभाविक आकर्षण है। तो ऐसे में हम भक्ति जो करते हैं वो एक प्रकार से एक अभ्यास के रूप में करते हैं। तो साधन भक्ति अर्थात भक्ति का अभ्यास, और धीरे धीरे साधन भक्ति करते करते हमारे अंदर भाव उत्पन्न होने लगता है, और ऐसी अवस्था में जो भक्ति की जाती है उसे भाव भक्ति कहा जाता है। और जब यही भाव जो है वो प्रगाढ़ हो जाता है और भगवत प्रेम जो है वो प्रकट होने लगता है हृदय के अंदर, तो ऐसी अवस्था में जो भक्ति की जाती है उसे शुद्ध भगवत प्रेम में भक्ति कहा जाता है, यानी कि प्रेमा भक्ति कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। साधन भक्ति की परिभाषा पर हमने चर्चा करी थी। संस्कृत में श्रील रूप गोस्वामी जी ने साधन भक्ति की परिभाषा दी है। तो उस परिभाषा के मुख्य मुख्य बिंदु क्या हैं? उस परिभाषा के मुख्य बिंदु ये हैं। देखिए, जो भी परिभाषा हम भक्ति सामवत सिंधु में पढ़ रहे हैं, उस परिभाषा को याद करने का सबसे सरल उपाय है, उस परिभाषा का नाम यदि आपको मालूम है तो उसके नाम में ही उस परिभाषा का मूल जो है छुपा हुआ है। जैसे साधन भक्ति, साधन भक्ति में नाम क्या है इसका? साधन। तो साधन से अर्थ क्या होता है? साधन मतलब किसी वस्तु का उपयोग करते हुए हम जो भक्ति करते हैं उसको, किसी वस्तु का जब हम कोई उपयोग करते हैं तो उस वस्तु को क्या बोलते हैं? साधन बोलते हैं। जैसे हमें कोई पेड़ काटना है तो पेड़ काटने के लिए हमारा साधन क्या है? कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी क्या होगा? पेड़ काटने का एक साधन हो गया। या मुझे किसी कागज पर कुछ लिखना है तो साधन क्या हो गया? एक कलम, वो साधन हो गई। इसी प्रकार से साधन भक्ति जैसा कि नाम है इसका, उसी प्रकार से इसकी परिभाषा जो है समझना बड़ा सरल है। साधन मतलब किसी वस्तु का उपयोग करके जब कोई कार्य किया जाए तो उसे साधन कहते हैं। तो इसी प्रकार से साधन भक्ति का मतलब है कि साधन भक्ति में हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं, और वो वस्तु क्या है? वो वस्तु है हमारी इंद्रियां। हमारी इंद्रियां तो पांच हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं और पांच हमारी कर्म इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां कौन सी हुई? आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा, और आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा। तो इस प्रकार से ये पांच ज्ञान इंद्रियां हो गई, और इसी प्रकार से पांच कर्म इंद्रियां होंगे, जैसे हाथ, पैर, वाणी और हमारे जनन इंद्रिया हो गई, और पीछे जो मलमूत्र विसर्जन करने का जो द्वार है वो पांचवी कर्म इंद्रिया होगी। तो पांच कर्म इंद्रियां होंगी। तो इंद्रियों से और मन से ये साधन है। इंद्रियों और मन से जो भक्ति की जाती है उसको उसको वास्तव में साधन भक्ति कहा जाता है। और इस साधन भक्ति का लक्ष्य क्या होता है? इस साधन भक्ति का लक्ष्य होता है भाव, भाव की अवस्था प्राप्त हो। तो हमने क्या पढ़ा था? भक्ति की तीन कोटियां पढ़ी, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो साधन भक्ति करते 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 हमारा उद्देश्य है कि हमारे अंदर, हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति भाव जो है वो प्रकट हो। तो साधन भक्ति की परिभाषा बड़ी सरल है, इंद्रियां और मन का उपयोग करते हुए भक्ति को प्राप्त, भक्ति करना जिसका उद्देश्य है भगवान के प्रति भाव प्रकट करना, हृदय में भाव की अवस्था प्राप्त करना। तो ये साधन भक्ति की परिभाषा है, इंद्रियों द्वारा भक्ति का अभ्यास जिससे भाव की अवस्था प्राप्त हो। ठीक है, बड़ी सरल है। भविष्य में देखिए मैं बीच बीच में आपसे इन परिभाषाओं को पूछता रहूंगा, तो आप या तो कहीं किसी कागज पर नोट करते रहे या अपने मन में बिठाते रहे। मैंने आपको बड़ा सरल सा सूत्र दिया है, नाम में ही परिभाषा का मूल जो है वो छुपा हुआ है।
अब ये इसकी एक विशेषता है, यहां पर हमने साधन भक्ति की परिभाषा के लिए किस शब्द का उपयोग किया, अभ्यास शब्द का। तो अभ्यास शब्द से भाव क्या प्रकट होता है, अभ्यास शब्द से भाव ये प्रकट होता है कि हम कोई चीज अपने अंदर कोई गुण है या कोई अपने अंदर कोई दक्षता जो है, कोई क्षमता जो है वो विकसित कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम कुछ विकसित नहीं कर रहे हैं। ये बात समझने वाली है, ये जो भाव है भगवान के प्रति, जो भाव है हमारे हृदय के अंदर वास्तव में पहले से ही उपस्थित है, पहले से ही उपस्थित है। लेकिन जब हम भक्ति की क्रियाकलाप करते हैं, जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगाते हैं, तो ये जो भाव है धीरे धीरे प्रकट होना शुरू हो जाता है। तो ये पहले से ही है, लेकिन अभी ढका हुआ है, अभी ढका हुआ है। काय से ढका हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये जो विकार हैं, जो दुर्गुण हैं हमारे भीतर, ये उनसे ढका हुआ है। तो अभ्यास करते करते ये भाव की अवस्था प्रकट होती है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये भाव कृत्रिम नहीं है, मतलब नकली नहीं है, आप किसी क्षमता को बाहर से विकसित नहीं कर रहे, पहले से ही उपस्थित है। और जब भगवान देखते हैं कि ये भक्त जो है साधन भक्ति में इतना दक्षता से लगा हुआ है, इतना प्रयास कर रहा है, तो भगवान जो है फिर कृपा करते हैं, और भगवत कृपा से ये जो भाव है ये हमारे हृदय के भीतर प्रकट होता है। तो उदाहरण फिर हमने दिया आपको, उदाहरण पहला उदाहरण दिया जैसे कोई नवजात शिशु है, तो जब कोई शिशु की थोड़ी आयु होती है, 8-10 महीने, 1 साल का जब वो हो जाता है, तो उसके अंदर चलने की क्षमता पहले से ही उपस्थित है, भगवान की कृपा से वो चलने की क्षमता देकर वो शिशु को जो है वो इस जीवन में भेजते हैं, इस दुनिया में भेजते हैं। लेकिन जब उस शिशु को थोड़ा सा अभ्यास कराया जाए, उंगली पकड़कर चलाया जाए, थोड़ा सा उसका उत्साहवर्धन किया जाए, तो वो चलने की जो क्षमता है वो तुरंत प्रकट हो जाती है और शिशु जो है वो चलने लगता है। दूसरा उदाहरण ये है कि जैसे कई बार आपने हिंदी फिल्मों में देखा होगा कि किसी नायक की कोई उसके साथ दुर्घटना हो जाती है, जिससे उसकी जो याददाश्त है, जो उसकी जो स्मृति है वो चली जाती है। लेकिन जब फिर वो नायक जो है उन्हें अपने पुराने वातावरण में लौटता है, अपने माता पिता से मिलता है या नायिका से मिलता है, तो पुनः उसको जो पुरानी बातें हैं उसके सामने दोहराई जाती हैं, जब वो बातें दोहराई जाती हैं, तो धीरे धीरे करके वो जो स्मृति जो उसकी एक बार खो गई थी, वो वास्तव में स्मृति उसके अंदर थी, वो कहीं चली नहीं गई थी, वो कोई नई स्मृति नहीं बनी है, वो स्मृति उसके अंदर पहले से थी। लेकिन जब वो उस वातावरण में पुनः अपने आप को पाता है, पुराने वातावरण में, तो वो स्मृति जो है पुनः लौट कर आ जाती है, पुनः लौट कर आ जाती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो भाव है हमारे हृदय में पहले से है, लेकिन अभी ढका हुआ है। जब हम भक्ति के कार्यकलाप करते हैं, तो हमें पुनः वही जो भगवत प्रेम, जो भगवान के प्रति जो भाव पहले किसी समय हमारे भीतर रहा होगा, वो पुनः एक बार फिर हमारा वो बाहर आ जाता है, प्रकट हो जाता है। तो ये बिंदु देखिए, अभ्यास शब्द से साधन भक्ति की पूर्ण व्याख्या नहीं हो सकती। अभ्यास से क्षमता विकसित करने का अर्थ जान पड़ता है, किंतु ऐसा नहीं है। भगवान के लिए भाव पहले से ही उपस्थित है, साधन भक्ति से वो प्रकट हो जाता है। तो ये चीज हमने पिछली कक्षा में पढ़ी, मैंने थोड़ा सा आराम से ये सभी बिंदु आपको समझाए, ताकि उन्हें आपको एक बार सब बातें एक बार याद आ जाए। अब हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, हमने चर्चा कहां तक कर ली, शुद्ध भक्ति के तीन प्रकार, तीन कोटियां, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो अब हम पहली जो प्रकार है साधन भक्ति, उस पर अपनी चर्चा करेंगे। तो साधन भक्ति की परिभाषा हमने आपको क्या बताई, थोड़ा ध्यान करिए। साधन भक्ति की परिभाषा मतलब साधन शब्द में ही इसका मूल छुपा है। तो साधन शब्द से हमें क्या ध्यान आया कि इंद्रियों और मन का साधन का प्रयोग करके जो भक्ति की जाती है उसे साधन भक्ति कहा जाता है। अब यही साधन भक्ति जो है वो पुनः एक बार फिर दो प्रकार की है। साधन भक्ति के पुनः एक बार फिर आगे चलकर दो प्रकार किए गए। तो ये दो प्रकार जो है उनके नाम क्या क्या है, उनके नाम है वैधि साधन भक्ति और रागानुगा साधन भक्ति। तो देखिए आप, इसके नाम में ही जो है इसका इसका अर्थ जो है वो आपको छुपा हुआ मिलेगा। तो वैधि साधन भक्ति मतलब क्या, ये वैधि भक्ति कौन सी है, वैधि भक्ति वास्तव में साधन भक्ति का एक प्रकार है।
उसी प्रकार से रागानुगा साधन भक्ति, मतलब दूसरा प्रकार साधन भक्ति का क्या है, रागानुगा साधन भक्ति। अब संक्षेप में समझेंगे कि वैधि साधन भक्ति क्या होती है और रागानुगा साधन भक्ति क्या होती है। तो वैधि वैधि साधन भक्ति है, तो नाम में ही वास्तव में अर्थ छुपा है, नाम में ही परिभाषा का मूल छुपा है। तो वैधि शब्द जो है वो कहां से आया है, वैधि शब्द आया है विधि विधान, विधि विधि मतलब क्या है, नियम, विधान मतलब क्या है, नियम, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन हम बोलते हैं, नियम कानून जिसे बोलते हैं ना, कि किसी नियम कानून के अंतर्गत हमें ये कार्य करना होगा। इसी प्रकार से जब हम साधन भक्ति का अभ्यास विधि विधानों के अनुसार करते हैं, जब हम साधन भक्ति का अभ्यास विधि विधानों के अनुसार करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, वैधि साधन भक्ति कहा जाता है। और इसी प्रकार से रागानुगा साधन भक्ति, रागानुगा रागानुगा, अब यहां देखिए रागानुगा की परिभाषा हम कुछ समय बाद पढ़ेंगे विस्तार से, तो लेकिन यहां पर राग, राग शब्द का क्या अर्थ होता है, राग शब्द का अर्थ होता है आकर्षण, अनुरक्ति, अट्रैक्शन, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं अट्रैक्शन। तो प्राकृतिक सहज प्रेम के कारण भक्ति, रागानुगा साधन भक्ति मतलब प्राकृतिक सहज प्रेम के कारण जब कोई भक्ति की जाती है तो उसको रागानुगा साधन भक्ति। तो प्राकृतिक सहज प्रेम के कारण भक्ति, अब यहां पर क्या हुआ, मतलब है तो ये भी साधन भक्ति, ये भी इंद्रियों द्वारा ही की जाएगी, ये भी पांच कर्म इंद्रियां और पांच ज्ञान इंद्रियां और मन ना, इन्हीं का उपयोग करके ये भी भक्ति की जाएगी। लेकिन दोनों भक्तियों में अंतर है, वैधि साधन भक्ति में और रागानुगा साधन भक्ति में अंतर है। दोनों ही साधन भक्ति हैं, दोनों ही इंद्रियों का उपयोग करके की जाती है, दोनों ही इंद्रियों को साधन बना के की जाती है, लेकिन अंतर क्या है, एक भक्ति के कार्यक्रम में, वैधि साधन भक्ति के क्रियान्वयन में हम विधि विधानों के अनुसार जो है वो साधन भक्ति करते हैं। यहाँ विधि विधान जो है वास्तव में हमारी भक्ति को गति देते हैं, लेकिन यहां पर हमारी जो भक्ति को गति मिलती है वो मिलती है स्वाभाविक सहज प्रेम के कारण। तो एक लंबे समय तक साधन भक्ति करते 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 हमारे भीतर जो है भगवान के प्रति एक सहज प्रेम की भावना जो है, प्राकृतिक सहज प्रेम का एक आकर्षण का जो भाव है वो उत्पन्न हो जाता है। तो जब हम भक्ति करते हैं, करते तो ये भी इंद्रियों से ही है, साधन से ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि भाई ये फलानी पुस्तक में ऐसे ऐसे लिखा है तो हमें ऐसे करना चाहिए। हमें मालूम है, साधक को मालूम है, क्योंकि वो काफी समय से वास्तव में इस प्रकार की भक्ति करता चला रहा है, लेकिन उस क्रियाकलाप के प्रति उसका अब एक सहज आकर्षण उत्पन्न हो गया है, तो उसे करने के लिए विधि विधानों के नियमों के बल की आवश्यकता नहीं रह जाती। जैसे कोई भी कार्यक्रम, कोई भी कार्य जो है हम कई बार जब आरंभ में करते हैं तो हमें बताया जाता है कि भाई ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, हम करना चाहते हैं उस कार्यक्रम को, उस कार्य को, लेकिन हमारी इच्छा होती है कि हम नियमों का पालन ना करें। हमसे मान लीजिए कोई कहे कि सुबह 5 बजे उठकर आपको मंगल आरती करनी है, तो जीव का स्वभाव होता है कि भाई सुबह उसको जल्दी उठाना हो तो उसकी जरा चेतना ऐसी रहती है कि उसका स्वाभाविक आकर्षण नहीं होता सुबह जल्दी उठने के लिए, तो उसको क्या क्या उसको हमें किस तरह से उसको समझाना पड़ता है कि देखिए शास्त्रों में लिखा है, हमारे वरिष्ठ जनों ने कहा है, हमारे गुरुदेव ने कहा है कि सुबह शीघ्र जल्दी उठकर हमें वास्तव में भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो अब वो व्यक्ति उठता है, लेकिन सहज आकर्षण के कारण नहीं उठता है, वो उठता है क्यों, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, और चूंकि शास्त्रों में लिखा है और उसे पालन करना है तो इसलिए उठना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। तो यहाँ शब्द क्या प्रयोग किया मैंने, पड़ेगा। तो एक प्रकार से बाध्यता की भावना यहाँ पर रहती है वैधि साधन भक्ति में, लेकिन रागानुगा साधन भक्ति में बाध्यता नहीं है। अब वो व्यक्ति जो है वो कई वर्षों से वास्तव में उठता चला आ रहा है, अब उसने एक एक स्वाद जो है भक्ति का उसके भीतर जो है वो प्रकट हो गया है। अब स्वतः ही सुबह शीघ्र अपने आप ही आंख खुलती है
और आंख खुलने के बाद स्वतः ही उसकी इच्छा होती है कि अब मैं कोई ना कोई भक्ति का कार्यकलाप करूं, भगवान के नामों का जप करूं, स्नान करूं, भगवान की पूजा अर्चना करूं, प्रसाद भोग इत्यादि तैयार करूं, घर की सफाई करूं, कीर्तन इत्यादि इस प्रकार के क्रियाकलापों का आरंभ करूं। उसका सहज आकर्षण है। अब उसको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि शास्त्रों में नियमों में अंतर्गत तुम्हें ये करना है, उसको मालूम है शास्त्रों में नियमों में क्या लिखा है, लेकिन वो सहज आकर्षण से प्रेरित होकर ये वास्तव में भक्ति करता है। तो इसको इसलिए राग भक्ति कहते हैं, या यूं कहिए रागानुगा साधन भक्ति। इसमें और अधिक हम गहराई में अभी नहीं जाएंगे, आगे जब हम विशेष रूप से रागानुगा साधन भक्ति का जब हम अध्याय पढ़ेंगे तब हम विशेष रूप से इसमें रागानुगा शब्द पर थोड़ा सा और विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन मुख्य मुख्य रूप से वैधि और रागानुगा भक्ति के बीच में अंतर हमें पता होना चाहिए कि वास्तव में इनमें अंतर क्या है, समानता क्या है। दोनों ही साधन भक्ति हैं, दोनों ही इंद्रियों का और मन का उपयोग करके करी जाती हैं, लेकिन असमानता क्या है। असमानता यह है कि वैधि भक्ति में प्रेरणा जो है वो बाहर से आती है, वैधि भक्ति में प्रेरणा बाहर से आती है। कहाँ से आती है? आध्यात्मिक गुरु से आती है या शास्त्रों से आती है, तो यहां से ये प्रेरणा। लेकिन रागानुगा भक्ति में प्रेरणा भीतर से आती है, साधक के भीतर से आती है। भीतर मतलब क्या? स्वाभाविक आकर्षण, स्वाभाविक आकर्षण अब उसका उत्पन्न हो गया है, तो ये रागानुगा भक्ति में प्रेरणा वास्तव में भीतर से उसको प्राप्त होती है। चलिए, तो अब ये जो लास्ट में जो एक ये जो अंत में जो एक बिंदु है, मैं आग्रह करूंगा निधि माता जी कृपा करके आप पढ़ सकती हैं जो अंतिम पंक्ति जो यहाँ लिखी हुई है। जी प्रभु जी, थोड़े सिग्नल गड़बड़ हो रहे हैं पर कोशिश कर लेते हैं। जी कोई बात नहीं। वैधि तथा रागानुग भक्ति का मुख्य अंतर, प्रेरणा का अंतर, प्रेरणा का स्रोत क्या है? वैधि भक्ति प्रेरणा बाहर से आती है, आध्यात्मिक गुरु तथा शास्त्र। रागानुग भक्ति प्रेरणा भीतर से आती है, स्वाभाविक आकर्षण। जी आरंभ में प्रातः आरती के लिए गुरु के आदेश के कारण उठता है, फिर उसमें वास्तविक अनुराग उत्पन्न हो जाता है और स्वतः अर्चा विग्रह को सजाता है, उसके लिए तरह तरह के वस्त्र तैयार करता है और भक्ति को उत्तम रीति से करने के लिए नई नई योजनाएं बनाता है। ठीक है ना, आपने देखा। तो यहां पर प्रभुपाद जी ने ये जो वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति की जो परिभाषा या जो इसके बारे में जो चर्चा शुरू करी है, तो आपके पुस्तक में जो हिंदी की जो है भक्ति सामरस सिंधु पुस्तक है उसमें 21वें पेज पर जो अंत में जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ की संख्या जो है वो 10 नंबर का अनुच्छेद है, 10 नंबर का पैराग्राफ है। तो यहाँ पर उन्होंने ये चर्चा करी है और 22वें पेज पर ये जो जो अंतिम में जो अंत में जो मैंने बिंदु आपके लिए दिया है ये यहाँ पर लिखा है। तो वही एग्जाम्पल दिया गया है कि साधन भक्ति मतलब पहले इसलिए भक्ति करता है क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, गुरु का आदेश है, लेकिन धीरे धीरे करते करते अनुराग उत्पन्न हो जाता है और फिर अपने आप ही अर्चा विग्रहों को सजाता है। अर्चा विग्रह मतलब क्या? जो मूर्तियां हैं, भगवान के मूर्तियां हैं या जो भगवान के चित्र हैं, भगवान के चित्रों पर हार चढ़ाएगा, उनका सजाना करेगा, जो साधक है उनके लिए नए नए वस्त्र तैयार करेगा या बड़ी उत्तम रीति से भक्ति करने के लिए नई नई योजनाएं बनाएगा कि हमें अपने जो मंदिर है वो बड़े अच्छे से सजाना है, नई नई प्रकार की नई नई सुगंध की अगरबत्ती लानी है, भगवान को नए नए सुगंधित पदार्थ चढ़ाने हैं, नया नया नए नए प्रकार का नाना प्रकार के मिष्ठान भोजन इत्यादि भगवान को अर्पण करने हैं, तो एक रुचिपूर्ण स्वाभाविक आकर्षण से वो करेगा। लेकिन वैदिक भक्ति में ये जो प्रेरणा है ये वास्तव में इसलिए आती है क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है तो करना चाहिए, शास्त्रों में लिखा है तो ऐसे करना चाहिए, शास्त्रों में लिखा है तो वैसे करना चाहिए। तो ये इस प्रकार से दोनों प्रकार की भक्तियों का अंतर है। तो अभी तक हमने कितनी परिभाषाएं पढ़ी? सबसे पहले हमने पढ़ी शुद्ध भक्ति की परिभाषा, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्य न कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा, उत्तम भक्ति या शुद्ध भक्ति की परिभाषा हमने पढ़ी। फिर हमने पढ़ा शुद्ध भक्ति कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। उसके बाद हमने पढ़ी साधन भक्ति की परिभाषा। साधन भक्ति की परिभाषा मूल कहाँ छुपा हुआ है? नाम में ही छुपा हुआ है। साधन मतलब
इंद्रियों का और मन को साधन बनाकर जो भक्ति की कार्य किए जाए उसको साधन भक्ति कहा जाता है। उसके बाद फिर हमने साधन भक्ति की और दो प्रकार पढ़े हैं, कौन से? वैधि साधन भक्ति और रागानुग साधन भक्ति। वैधि साधन भक्ति नाम में ही वास्तव में अर्थ छुपा है। तो वैधि साधन भक्ति मतलब विधि विधान का पालन करते हुए जो भक्ति की जाए वैधि साधन भक्ति, और राग अनुगा साधन भक्ति मतलब राग जिसमें स्वाभाविक आकर्षण, स्वाभाविक राग, स्वाभाविक अनुरक्ति, स्वाभाविक आकर्षण जो है जिसमें हो है, उस तरह से जो भक्ति की जाए, उस तरह से जो साधन भक्ति की जाए उसे रागानुगा साधन भक्ति। तो शुद्ध भक्ति साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, साधन भक्ति में वैधि भक्ति और फिर रागानुगा साधन भक्ति। तो इस प्रकार से देखिए ये जो जो इसकी जो संरचना है अध्यायों की, जो स्ट्रक्चर है पूरे चैप्टर का, ये दिमाग में अगर स्पष्ट है तो फिर कहीं कोई कठिनाई आपको अनुभव नहीं होगी। अब देखिए फिर से परिभाषा आ गई है, वैधि साधन भक्ति की परिभाषा। अभी तक तो हमने वैधि साधन भक्ति के बारे में एक सामान्य चर्चा करी, लेकिन अब यहाँ स्पष्ट संस्कृत में रूप गोस्वामी जी बड़ी एक स्पष्ट जो है वो परिभाषा यहाँ पर हमको दे रहे हैं। लेकिन पढ़ेंगे यहाँ पर, यत्र रागान वाप्त, अब यत्र रागान वाप्त तत्वात् प्रवृत्ति रूपजायते शासनेनैव शास्त्रस्य सा वैधि भक्तिरुच्यते। यत्र रागान वाप्तत्वात् प्रवृत्ति रूपजायते शासनेनैव शास्त्रस्य सा वैधि भक्तिरुच्यते। तो अब यहां देखिए, यत्र रागा न वा तत्वात्, यत्र रागा न वा तत्वात्। यहां देखिए शब्द कौन सा आया है? रागा, और उसके बाद रागा के बाद क्या है? न, ना मतलब नहीं। यत्र रागा न वा तत्वात्, जब भक्ति के कार्यकलाप किसी अनुरक्ति अथवा भक्ति के प्रति स्वाभाविक स्वाद के कारण नहीं होते। राग और ना शब्द का मतलब है नहीं, राग का मतलब है आकर्षण। तो यहां पर परिभाषा में क्या बात बताई गई है कि जब भक्ति के कार्यकलाप किसी आकर्षण के कारण नहीं होते, किसी अनुरक्ति या भक्ति के प्रति स्वाभाविक स्वाद के कारण नहीं होते, लेकिन किस कारण होते हैं? शासने नैव शास्त्रस्य, शासने नैव शास्त्रस्य, शासने नैव शासन। शासन शब्द का मतलब क्या है? किसी शासन, किसी उपदेश के कारण, किसी आदेश के कारण। और आदेश कहाँ से आ रहा है? शास्त्रस्य। शासने नैव, एव मतलब केवल, एव मतलब केवल, शासन शासनेन एव शास्त्रस्य, केवल और केवल किसी शास्त्र के आदेश के कारण जब ये वास्तव में भक्ति के कार्यकलाप जो है वो प्रेरित होते हैं, तो ऐसी भक्ति को, ऐसी साधन भक्ति को सा वैधि भक्ति रुच्यते। देखिए यहाँ सा जो शब्द आया है यहाँ पर संस्कृत का, उसमें सा के आगे आ की मात्रा लगी है। तो एक होता है सा जिसमें आ की मात्रा नहीं होती है, और एक होता है सा जिसमें आ की मात्रा होती है। सा संस्कृत में पुल्लिंग होता है, और सा जो है जिसमें आ की मात्रा लग होती है वो स्त्रीलिंग होता है। तो भक्ति जो शब्द है वो वास्तव में स्त्रीलिंग है, तो इसलिए यहाँ पर सा शब्द आया है। सा ऐसी भक्ति, वैधि भक्ति रुच्यते, ऐसे ऐसी अनैच्छिक सेवा वैधिक भक्ति कहलाती है। तो एक बार पुनः एक बार ध्यान से देखेंगे, यहाँ देखिए, यत्र राग न वाप तत्वात् प्रवृत्तिर उपजायते, उपजायते मतलब उत्पन्न होती है, कि ऐसी भक्ति जो राग न वाप तत्वात्, जो राग यदि कोई स्वाभाविक आकर्षण नहीं है उसके बिना वो यदि उत्पन्न होती है, किसी स्वाभाविक स्वाद के कारण उत्पन्न नहीं होती है, या किसी अनुरक्ति या किसी राग के कारण उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि क्यों क्यों उत्पन्न होती है? शासने नैव शास्त्रस्य, शास्त्र के आदेश के कारण। गुरु भी वही आदेश देते हैं जो शास्त्र में लिखा होता है, शास्त्रों के तथा गुरु के आदेश में, शास्त्रस्य। तो शास्त्रों में भी वही
आदेश होते हैं जो माफ कीजिए, गुरु भी वही आदेश देते हैं जो शास्त्रों में लिखा है, गुरु भी शास्त्रों का ही पालन करते हैं। तो मुख्य रूप से एक तरीके से कहा जाए तो शास्त्र के ही आदेश का पालन हम लोग करते हैं। तो शासन ही नहीं बस शास्त्र से, शास्त्रों के तथा गुरु के आदेश के कारण होते हैं। अब ये आदेश जो है उसमें एक बाध्यता, बाध्यता अंग्रेजी में बाध्यता को क्या कहते हैं, कंपल्शन, कंपल्सरी है। जैसे स्कूल में कई बार 7:30 बजे का हमारे, मुझे ध्यान पड़ता है स्कूल में जब हम जाया करते थे तो 7:30 बजे का समय होता था कि भाई 7:30 बजे से पहले यदि आप स्कूल में आ गए, प्रवेश कर गए, तो आप जो है वो कक्षा में जा सकते हैं, नहीं तो आपको वहां पर एक ग्राउंड होता था उसके 2 चक्कर काटने पड़ते थे कि भाई चूंकि आप देर से आए हैं, लेट आए हैं, तो आपको 2 चक्कर काटने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप कक्षा में जा पाएंगे। तो एक बाध्यता थी कि 7:30 बजे तक से पहले पहले आना है। तो इसी प्रकार से वैधि भक्ति में भी बाध्यता है। बाध्यता किसकी है, शास्त्र की बाध्यता है या गुरु के आदेश की बाध्यता है, शास्त्रों की या गुरु के आदेश की बाध्यता के कारण जब भक्ति का कोई कार्यकलाप किया जाए उसे वैधि साधन भक्ति कहा जाता है। सवैधि भक्तिर उच्यते। तो ऐसी अनैच्छिक सेवा वैधि भक्ति कहलाती है। अनैच्छिक, अनैच्छिक मतलब स्वाभाविक इच्छा नहीं है, बाध्यता है, इस कारण से हम भक्ति करते हैं, उसे वैधि साधन भक्ति कहा जाता है। तो वैधि भक्ति जो है वो साधन भक्ति का एक प्रकार है। इसमें हम वास्तव में शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार कुछ ना कुछ करते हैं, भक्ति का कार्यकलाप करते हैं। उदाहरण देखें, प्रातः जल्दी उठना, विग्रहों की पूजा अर्चना इत्यादि करना, इसमें एकादशी व्रत भी आ गया है, और कई कई बातें जो है यहाँ पर आ गई। जैसे आपको तीर्थ यात्राएं करनी होती हैं, या श्रीमद् भागवत से श्रवण करना होता है, उपवास का मैंने उदाहरण आपको दिया ही है। तो इस प्रकार से भक्ति के कई कई कार्यकलाप हैं जो शास्त्रों में दिए गए हैं, और जब हम उन्हें करते हैं हमारी भीतर से इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि शास्त्रों का आदेश है, गुरु का आदेश है, इसलिए हम करते हैं, तो उसे वैधि साधन भक्ति कहा जाता है। इसकी चर्चा जो है वो पृष्ठ संख्या पेज नंबर 22 में अनुच्छेद 11 पैराग्राफ 11 में यहाँ पर पुस्तक में की गई है। अब इस स्लाइड में क्या बताया गया है, अब रूप गोस्वामी जी की शैली क्या है, वो पहले परिभाषा देते हैं और परिभाषा देने के बाद फिर उसका वास्तव में शास्त्रों से अनुमोदन करते हैं। तो वैधि भक्ति की उन्होंने परिभाषा दी और परिभाषा देने के बाद अब वो शास्त्र से अनुमोदन दे रहे हैं। और शास्त्र कहाँ से दे रहे हैं अनुमोदन, श्रीमद् भागवत के 2 स्कंध के 1 अध्याय के 5वें श्लोक का यहाँ पर उद्धरण करते हैं और उससे वैधि भक्ति का यहाँ पर एक प्रकार से प्रमाण देते हैं। अब वो श्लोक क्या है, श्लोक है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्चताभयम्, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्चताभयम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, तस्मात्। अब ये संवाद किसका हो रहा है, 2 स्कंध के 1 अध्याय में ये संवाद चल रहा है परीक्षित महाराज और शुकदेव गोस्वामी के बीच में। परीक्षित महाराज को श्राप मिल चुका है कि 7 दिनों के भीतर भीतर आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित महाराज अभी थोड़ा सा व्याकुल हैं कि मेरे पास केवल 7 दिनों का ही अवसर है, अब मुझे इन 7 दिनों में क्या करना चाहिए, कौन सी विधि विधान का पालन करना चाहिए ताकि वास्तव में मेरा जो परलोक है, मेरा मृत्यु के बाद का जो जीवन है वो सफल हो सके। तो ऐसे में अब सुखदेव गोस्वामी जी से उनकी भेंट होती है। सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न पूछते हैं कि ऐसे मरणासन्न व्यक्ति को जो मृत्यु के बिल्कुल निकट है, वास्तव में उसका धर्म क्या है। तो सुखदेव गोस्वामी जी उस प्रश्न के उत्तर में ये यहाँ पर श्लोक जो है वो परीक्षित महाराज को सुनाते हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। भारत शब्द यहाँ आया है वास्तव में परीक्षित महाराज के लिए आया, क्योंकि परीक्षित महाराज जो है भरतवंशी है। ये आपने देखा होगा भगवत गीता में भारत शब्द जो है वो अर्जुन के लिए भी भगवान कृष्ण उपयोग करते हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज भी उसी वंश के हैं जो जिसमें अर्जुन थे, और वो भरतवंशी है, इसलिए यहाँ भारत शब्द का उपयोग आया है। सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कह रहे हैं, हे भरतवंशी, यदि कोई हर प्रकार के क्लेश एवं भय से मुक्ति चाहता है, स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्, स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्,
अभयम, यदि किसी व्यक्ति की अभय की इच्छा है, इच्छिता अभयम, यदि किसी व्यक्ति की अभय प्राप्त करने की, अभय मतलब कोई डर ना हो, अभय एक प्रकार से हृदय के भीतर किसी प्रकार का भय ना हो, कोई किसी प्रकार का कोई क्लेश ना हो, कोई डर ना हो, तो यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अभय चाहता है, क्लेश मुक्त होना चाहता है, तो वास्तव में उसको क्या करना चाहिए? यदि कोई हर प्रकार के क्लेश एवं भय से मुक्ति चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह भगवान हरि के बारे में श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करे। श्रोतव्य, श्रोतव्य मतलब सुनना, कीर्तितव्य, कीर्तितव्य मतलब कीर्ति का गान करना यानी कीर्तन करना, और स्मर्तव्य, स्मर्तव्य मतलब स्मरण करना। तो उसे भगवान हरि के बारे में श्रवण, श्रोतव्य, कीर्तन, कीर्तितव्य तथा स्मर्तव्य अर्थात स्मरण करना चाहिए। किसका? भगवान हरि। तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। तो यहाँ भगवान हरि के बारे में यहाँ पर वास्तव में कई कई जो संज्ञाएं हैं उनका उपयोग किया गया है। सर्वात्मा, सर्वात्मा मतलब भगवान जो है हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है। भगवान ईश्वर है, ईश्वर मतलब हर वस्तु के, हर 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 बात के वो इस जगत में नियंत्रक है। और हरि, हरि का मतलब क्या है? हर प्रकार की अशुभ वस्तु को वो हमारे से ले लेते हैं। तो अभयम यानी के भय को वो भी हमारे भीतर से हर लेते हैं। तो सुखदेव जी जो हैं परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि हे परीक्षित महाराज, यदि तुम चाहते हो अपने जीवन में व्याकुलता ना रहे, आपके जीवन में कोई क्लेश ना रहे, आपके जीवन में किसी प्रकार का भय ना रहे, तो आपके लिए एक बड़ा सरल विधि मैं आपको बता रहा हूं। और वो विधि क्या है? भगवान ईश्वर हरि की आप स्मर श्रोतव्य, कीर्तितव्य और स्मर्तव्य, भगवान के बारे में श्रवण करें, कीर्तन करें और उनका स्मरण करें। तो अब यहाँ आप पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, वास्तव में ये वैधि भक्ति कैसे हुई, ये वैधि भक्ति कैसे हुई? वैधि भक्ति मतलब विधि विधान के अनुसार वास्तव में कोई भक्ति का कार्यकलाप करना। तो यहाँ देखिए सुखदेव गोस्वामी जी जो परीक्षित महाराज को यहाँ ये जो बात बता रहे हैं, ये ऐसे परीक्षित महाराज की चेतना क्या है? परीक्षित महाराज की चेतना है कि अभी मेरा मृत्यु निकट है, मैं बड़ा व्याकुल हूं, मैं क्या करूं? तो उनकी व्याकुलता को दूर करने के लिए, उनके हृदय में भय जो व्याप्त हो गया है उसको दूर करने के लिए ये विधि विधान बताया गया। तो यहाँ से ये स्पष्ट है कि परीक्षित महाराज की जो जिज्ञासा है वो स्वाभाविक आकर्षण के कारण नहीं है, स्वाभाविक आकर्षण के कारण नहीं है, बल्कि मृत्यु के समय निर्भय रहने की इच्छा से प्रेरित है। मृत्यु के समय निर्भय रहने की इच्छा से प्रेरित है। तो इसीलिए ये जो श्लोक है जिसमें इन विधि विधानों का वर्णन किया गया है, श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य, ये वास्तव में वैधि भक्ति के दायरे में इसको हम लेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर परीक्षित महाराज को एक प्रकार से वैधि भक्ति करने का आदेश दे रहे हैं, वैधि भक्ति करने का एक प्रकार से उसकी अनुशंसा कर रहे हैं, उसकी रिकमेंडेशन उनको यहाँ पर वो दे रहे हैं। तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरोपरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चित्त तथा भयम्। तो ये श्रीमद् भागवत में वैधि भक्ति का एक प्रकार से प्रमाण रूप गोस्वामी जी हमारे लिए यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, अब हम आज बात कर रहे हैं वैधि भक्ति के ऊपर। तो वैधि भक्ति में विधि विधान, नियम का, निषेध का इस प्रकार से पालन करना शास्त्रों के अनुसार, इस पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, इन विधि विधानों की चर्चा करने के लिए एक बात वास्तव में हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से जो लोग शुद्ध भक्ति के दायरे में रहना चाहते हैं। तो शास्त्रों में बहुत सारे विधि विधान बताए गए हैं, बहुत सारे विधि विधान बताए गए, उनमें से बहुत सारे विधि विधान जो है वास्तव में कई बार ऐसा प्रतीत हो सकता है कि आपस में विरोधाभासी भी है। एक विधि विधान कहता है कि ऐसे करो और दूसरा विधि विधान ऐसा प्रतीत होता है कि शायद वो पहले वाले नियम का कुछ एक प्रकार से खंडन कर रहा है, उससे कुछ विपरीत बात जो है वो बता रहा है। इस प्रकार से बहुत सारे अनेक असंख्य जो है विधि विधान जो है वैदिक साहित्य में आपको मिल जाएंगे।
इसीलिए रूप गोस्वामी जी अब पद्म पुराण से वैदिक भक्ति के एक उदाहरण देते हुए एक ऐसे श्लोक को यहाँ पर बता रहे हैं जिससे हमें ये स्पष्ट हो कि हमारा इन विधि विधानों का पालन करने के पीछे वास्तव में मुख्य उद्देश्य क्या है। इन विधि विधानों का पालन करने के पीछे मुख्य रूप से हमारा जो भाव है, हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है, वो देखिए। तो ये श्लोक क्या है, स्मर्तव्यः सततम् विष्णुर् विस्मर्तव्यो न जातु चित् सर्वे विधि निषेधास्युर् एतयोरेव किंकराः। स्मर्तव्यः सततम् विष्णुर् विस्मर्तव्यो न जातु चित् सर्वे विधि निषेधास्युर् एतयोरेव किंकराः। स्मर्तव्यः सततम् विष्णुर्, तो विष्णु शब्द का अर्थ है विष्णु भगवान, सततम् का मतलब है निरंतर, लगातार, कंटिन्यूअस। स्मर्तव्य वही शब्द है जो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा, स्मर्तव्य मतलब स्मरण करना। तो पहली पंक्ति का अर्थ क्या है, सततम् मतलब सदैव, सदैव विष्णु का स्मरण करो। स्मर्तव्य सततम् विष्णु, सदैव विष्णु का स्मरण करो। विस्मर्तव्यो विस्मर्तव्यो, विस्मर्तव्य मतलब भूलो मत, भूलना, विस्मृति मतलब होता है भूलना। विस्मर्तव्यो न जातुचित, विष्णु को कभी मत भूलो, सदैव उनका स्मरण करो और उनको कभी मत भूलो। सर्वे विधि निषेधास्युर, सर्वे विधि निषेध, जितने भी विधि विधान हैं और जितने भी निषेध हैं, जितने भी डूज हैं और जितने भी डोंट्स हैं, जितने भी कार्य करने वाले हैं और जितने भी कार्य बचने वाले हैं, सभी विधि विधान एवं निषेध। निषेध बोलते हैं जैसे निषेध बोलते हैं मना, मनाई को, कि भाई ये कार्य निषेध है, निषेध मतलब ये कार्य यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। जैसे सिगरेट पीना, धूम्रपान निषेध है, तो जैसे पिक्चर हॉल के आगे या किसी किसी पब्लिक प्लेस पर आपको ऐसा बोर्ड लिखा मिल जाएगा, धूम्रपान करना निषेध है, मतलब मनाही है। तो सर्वे विधि निषेधास्युर एतयोर एव किंकरः, ये जो जितने भी वैदिक साहित्य में जितने भी विधि विधान और निषेध बताए गए हैं, ये इन दो नियमों के दास हैं। एतयोर एव किंकरः, एतयोर मतलब इन दो नियमों के, ये जो पहली दो पंक्तियों में जो दो नियम बताए गए हैं, सदैव विष्णु का स्मरण करो और कभी विष्णु को मत भूलो। ये जो दो नियम है, ये जितने भी वैदिक साहित्य में जितने भी नियम दिए गए हैं, ये जो दो नियम दिए गए हैं, नियम नंबर एक और नियम नंबर दो, बाकी अन्य सारे नियम इन दो नियमों के किंकर हैं। किंकर मतलब दास हैं, सेवक हैं। मतलब क्या, जितने भी वैदिक साहित्य में जितने भी नियम दिए गए हैं, निषेध दिए गए हैं, वास्तव में इन दोनों, इन सभी निषेधों का, इन असंख्य जितने भी निषेध हैं, उनका उद्देश्य क्या है, कि सदैव विष्णु का स्मरण बना रहे और भगवान विष्णु का स्मरण कभी भी हम भूले नहीं, उनको कभी भी हम भूले नहीं। तो ये इस इसी बात को हम थोड़ा सा और अभी अगली स्लाइड में और ध्यान से समझेंगे। मतलब क्या है कि कोई भी वैदिक साहित्य का नियम का यदि हम पालन कर रहे हैं, उस नियम का पालन करते हुए हमारे मन में ये भाव रहना चाहिए कि वास्तव में मैं इस नियम का पालन तो कर रहा हूं या कर रही हूं, लेकिन वास्तव में इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इस नियम पालन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस नियम पालन का मुख्य उद्देश्य है कि मैं सदैव भगवान विष्णु का स्मरण करता रहूं। ये नियम पालन जो है मुझे इस बात के लिए प्रेरित करे कि वास्तव में मुझे भगवान के निकट जाना है, मुझे भगवान का स्मरण जो है वो बढ़ाना है। भगवान इस नियम पालन से प्रसन्न होंगे, मेरे इस नियम पालन से, मेरे इस कर्तव्य पालन से भगवान विष्णु अंततः प्रसन्न होंगे, इस भाव से मुझे उस नियम का पालन करना है। तो नियम का पालन केवल नियम का पालन करने मात्र के लिए नहीं करना है, नियम का पालन इसलिए करना है क्योंकि नियम का पालन करने से भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होंगे, आपसे प्रसन्न होंगे, इस कारण से वास्तव में आपको उस नियम का पालन करना है। और किसी भी निषेध का पालन आपको इसलिए करना है, क्यों, क्योंकि आपने आपने कहीं कोई देखा कि भाई ये कार्य ना करें, ये कोई शास्त्र
कार्य जो है नहीं कर भैया का वीडियो म्यूट हो गया है। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। हाँ मिश्रा जी, राम राम जी, राम राम। हाँ ठीक है बोलो। एक्चुअल में मेरा लड़का जो है वो जाता ना, इसलिए मैं 11 बजे मैं करा लेता, लेकिन वो लड़का तो 12-1 बजे तक आएगा, 1 बजे तक। अच्छा तो इसीलिए जो है, या तो ये अब ये सुबह। हरे कृष्णा, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी अभी सुन सकते हैं प्रभु मित्र जी? जी, जी प्रभु जी। हाँ सर। चलिए ठीक है। मुझे अभी कुछ देर से एक मैसेज आ रहा था कि शायद इंटरनेट कनेक्शन जो थोड़ा वीक है, तो संभवतः शायद आपको आवाज ना आ रही हो, लेकिन अगर आप सुन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सततम शब्द का मैं आपको अर्थ बता रहा था। सततम शब्द का अर्थ है प्रतिदिन, ना कि प्रतिक्षण। इसका मतलब क्या है कि साधन भक्ति में वास्तव में निरंतर स्मरण करना जो है वो असंभव है, क्योंकि अभी साधन भक्ति में मैंने आपको क्या बताया, जो आकर्षण है वो स्वाभाविक नहीं होता है, आप एक बाध्यता के कारण करते हैं, अनिच्छा से कई बार आपको वो कार्य करना पड़ता है। तो ऐसे में आपसे कोई ये अपेक्षा रखे कि भाई आपको प्रत्येक क्षण जो है वो भगवान का स्मरण बनाए रखना है, तो ये संभव नहीं है। तो आप साधन भक्ति के, वैधि साधन भक्ति के दायरे से बाहर होने हैं। तो वैधि साधन भक्ति के दायरे में यदि आपको रहना है, तो यहाँ सततम शब्द का अर्थ ये है कि दिन में यदि आपने एक बार, दो बार, तीन बार भी यदि भगवान का स्मरण मन से कर लिया, अच्छे से कर लिया, तो आप साधन भक्ति के वास्तव में दायरे में हैं। ऐसा नहीं है कि साधन भक्ति का कहना ये है कि केवल दिन में एक ही बार करना है, वास्तव में दिन में एक बार कम से कम करना है, और धीरे 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 करके अपने अभ्यास से हमें इसको बढ़ाना है, और धीरे धीरे हमें इसे इसी स्तर पर ले जाना है कि वास्तव में हमारा ये जो भगवान के प्रति जो स्मरण है वो स्वाभाविक हो जाए, एक एक सहज हो जाए, और प्रत्येक क्षण जो है हमारा जो भगवान का स्मरण है बना रहे। लेकिन यदि आप दिन में एक बार भी कर रहे हैं, तो आप साधन भक्ति के दायरे के अंतर्गत आते हैं, आप साधन भक्ति के दायरे से बाहर नहीं हो जाते हैं, तो ये बात समझनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो अभी मैं आपको उसी बात के बारे में बता रहा था कि भाई वास्तव में सभी विधि विधानों का मूल क्या है, सभी विधि विधानों का पालन करने का उद्देश्य क्या है, कि भगवान का स्मरण बना रहे और भगवान को हम कभी ना भूलें। तो उन्हीं बातों को यहाँ पर हमारे लिए मैंने यहाँ इन स्लाइड में लिखा है। तो निधि माता जी, कृपया करके एक एक करके ये पंक्तियों को पढ़ें। प्रभु जी मुझे स्लाइड नहीं दिख रही स्लाइड नहीं आ रही है? प्रभु सर, जी मुझे स्लाइड नहीं आ नहीं रही। दिख रही, एक मिनट रुकिए। देखिए अब आई क्या? अब आ गई तो जी कैसे आवाज आएगी चलिए जी, सर, ये नॉर्मल अभी आया। आ गई हाँ सर, जी। चलिए एक एक करके पंक्ति पढ़िए। शास्त्रों में असंख्य विधि विधान हैं, कुछ परस्पर विरोधी भी हैं, तो क्या करें? अगली पंक्ति पढ़ें। समस्त विधि विधानों का मूल विष्णु स्मरण है। यदि कोई बढ़िया, विष्णु का स्मरण करता है तो अन्य सभी नियमों की पालना हो जाती है। हाँ। देखिए ये मुख्य रूप विष्णु से बिंदु ये है, एक मिनट रुकिए,
जितने भी असंख्य विधि विधान शास्त्रों में बताए गए, उनके पीछे मूल उद्देश्य यह है कि भगवान का स्मरण बना रहे। केवल उद्देश्य नहीं है कि भाई आप केवल विधि विधान का पालन करें और भगवान को जो है वो एक तरह से भूल जाएं, ऐसा नहीं है। विधि विधानों का मूल उद्देश्य ही ये है कि आपका भगवान का स्मरण बढ़े, भगवान के प्रति आपका आकर्षण बढ़े। तो यदि आप किसी कारण से किसी विधि विधान का पालन नहीं कर पाते हैं, लेकिन भगवान का स्मरण किसी ना किसी प्रकार से आप कर रहे हैं, तो उस विधि विधान को पालन ना करने का दोष आपको नहीं लगेगा। जैसे मैं आपको उदाहरण दूंगा, जैसे कई बार शास्त्रों में लिखा गया है कि संध्या वंदन करना चाहिए, संध्या वंदन, कि भाई जब संध्या हो जाए तो आपको संध्या वंदन करना चाहिए। उसके कुछ नियम नियम होते हैं कि भाई इस प्रकार से आपको करना चाहिए, इतना जल लेना चाहिए, इतने मंत्र आपको बोलने चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो किसी वजह से आप संध्या वंदन नहीं कर पाते हैं, लेकिन यदि आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं, आपने भगवान कृष्ण के हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लिया, भगवान की कोई पूजा अर्चना कर ली, भगवान को स्मरण कर लिया, तो वास्तव में यदि किसी कारण से आप संध्या वंदन नहीं भी कर पाते हैं तो वो फिर भी चलेगा। लेकिन यदि आप संध्या वंदन करते हैं और भगवान को भूल जाते हैं, तो वो एक प्रकार से बात जो है वो बढ़िया नहीं रहेगी, वो उत्तम नहीं रहेगा। तो कहने का कारण ये है कि यदि कोई विष्णु का स्मरण करता है और अन्य सभी नियमों, तो अन्य सभी नियमों की पालना हो जाती है। मान लीजिए किसी दो चार नियमों की पालना आप किसी कारण से नहीं भी कर पाते हैं, तो भगवान का स्मरण करने से बाकी सभी नियमों की पालना हो जाती है। चलिए आगे पढ़ें। विष्णु का विस्मरण ऐसा है जैसे कोई निषेधात्मक कार्य करना, अर्थात पाप में कार्य करना। हाँ, मान लीजिए भगवान को भूल जाए, दिन में किसी किसी दिन आप एक बार भी भगवान का स्मरण ना कर पाए, भगवान को भूले रखें, तो मान लीजिए आपने उस दिन सारे पुण्य कर्म किए, लेकिन सिर्फ भगवान को स्मरण ना कर पाए, भगवान को भूले रहे, दिन में एक बार भी भगवान का, भगवान कृष्ण का, विष्णु का किसी भी प्रकार से आप स्मरण नहीं कर पाए, तो एक प्रकार से एक पापमय कार्य आपसे हो रहा है। भले ही आपने शास्त्रों के अनेक विधि विधानों का आपने पालन कर लिया, आपने संध्या वंदन भी कर ली, आपने कोई ना किसी अन्य यज्ञ का भी पालन आपने कर लिया, आपने किसी ना किसी के ब्राह्मण को दान भी दे दिया, दक्षिणा भी दे दी, इत्यादि इत्यादि आपने कई कार्य कर लिए, लेकिन भगवान का स्मरण नहीं आप कर पाए, तो एक प्रकार से ये एक निषेधात्मक कार्य आप कर बैठे। तो यही मतलब है कि भगवान विष्णु को कभी हमेशा सदैव आप स्मरण रखें और कभी उनको ना भूलें, यही सभी नियमों का सार है। क्यों ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्यों इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम वैधी भक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। वैधी भक्ति मतलब क्या है, विधि विधानों का पालन करना। तो अब विधि विधानों का पालन करने के लिए सही चेतना क्या होनी चाहिए, तो वो उस इसलिए हम यहाँ पर ये चर्चा कर रहे हैं। चलिए अगली अंतिम पंक्ति पढ़िए। हमें अपना जीवन इस प्रकार ढालना चाहिए कि हम भगवान का स्मरण अधिक से अधिक कर सकें। हमें अपना जीवन इस प्रकार ढालना चाहिए कि हमें भगवान का स्मरण अधिक से अधिक हो। तो हम अपना जीवन कैसे ढालें, जीवन ढालने से क्या मतलब है, जीवन ढालने से मतलब ये है कि जैसे आप घर में रह रहे हैं, तो घर में आप अपने घर में भगवान के चित्र लगा सकते हैं, आप अपने घर में भगवान का मंदिर बना सकते हैं, आप अपने घर में जिस प्रकार की पुस्तकें पढ़ते हैं, आप अपने घर में अपनी अलमारी में, अपनी मेज पर, टेबल पर, अलग अलग स्थानों पर ऐसी पत्रिकाएं रख सकते हैं जो भगवान से संबंधित हैं, ऐसी पुस्तकें रख सकते हैं जो भगवान से संबंधित हैं, आप अपनी मित्रता ऐसे लोगों से कर सकते हैं जो वास्तव में भक्ति में लगे हुए हैं, आप अपना सारा जीवन जो है वो किसी ना किसी प्रकार से इस प्रकार से ढाल सकते हैं जिससे आप भगवान को भूलने की यदि आप कोशिश भी करें तो भूल ना पाए। कैसे, मान लीजिए आपने अपने घर में भगवान का मंदिर बना लिया, अब जब आपने भगवान का मंदिर बना लिया तो जब आप अपने घर में आएंगे तो मंदिर तो आपकी नजरों के सामने आएगा ही, ऐसा ना करें कि आप मंदिर जो है वो अपने घर के किसी ऐसे कोने में बना लें जहां आप कभी जाते ही नहीं, किसी ऐसे मुख्य स्थान पर बनाएं, अपने ड्राइंग रूम में बना लें या अपने किसी ऐसे मुख्य स्थान पर बनाएं, एक अच्छा बड़ा कमरा भगवान के लिए आरक्षित रखकर ऐसे भव्य स्थान पर, ऐसे अच्छे उत्तम स्थान पर बनाएं जहां पर आपका आना जाना हो ही, अपने कमरों में अलग अलग स्थानों पर भगवान के चित्र लगाएं, गुरुजनों के चित्र लगाएं, महान संतों के चित्र लगाएं, तो जब आप उन चित्रों को देखेंगे तो भगवान का स्मरण होगा ही, स्वतः ही होगा।
आप अपने फोन में, अपने लैपटॉप में, अपने अलग अलग प्रकार के, अपनी पुस्तकों में भगवान के चित्र रख सकते हैं। तो इस प्रकार से कहने का भाव ये है, हमें अपना जीवन इस प्रकार ढालना चाहिए कि भगवान का स्मरण अधिक से अधिक करें। क्यों? क्योंकि हम यदि वैधि भक्ति का पालन कर रहे हैं तो हमें आवश्यक है कि हम कम से कम एक बार तो दिन में भगवान का स्मरण करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल एक ही बार करें, हमें चाहिए कि हम अधिक से अधिक करें। लेकिन साधन भक्ति में संभव नहीं हो पाए, क्योंकि अभी हमारा स्वभाव, हमारी जो स्वाभाविक जो प्रकृति है वो इस प्रकार की नहीं, तो इसलिए ये बातें लिखी गई है। अब ये सब जो चर्चा हो रही है, ये वास्तव में जो आपकी पुस्तक है उसमें पृष्ठ संख्या 24 पर ये चर्चा हो रही है, अनुच्छेद नंबर 16 और 17 में ये सब बातें जो है प्रभुपाद जी हमारे लिए यहाँ पर लिखी हुई है पुस्तक में। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, नियमों की पालन की बात हो रही है, तो अब यहाँ चर्चा होगी कि इस नियम का पालन सबको करना चाहिए, चाहे वर्ण और आश्रम व्यवस्था के वो भीतर है या बाहर। वर्ण आश्रम व्यवस्था के भीतर है या बाहर। अब वर्ण और आश्रम क्या है? देखिए, चार वर्ण हैं और चार आश्रम हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण हैं और इसी प्रकार से चार आश्रम हैं। चार आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, चारों आश्रम। तो अब रूप गोस्वामी जी चर्चा क्या कर रहे हैं? चर्चा ये कर रहे हैं कि ये जो नियम है ये सभी वर्णों और सभी आश्रमों के जो लोग हैं उनको करना चाहिए। यदि आप गृहस्थ हैं तो भी आपको करना चाहिए, यदि आप वानप्रस्थी हैं, यदि आप ब्रह्मचारी हैं, यदि आप सन्यासी हैं, हर किसी भी आश्रम में यदि आप हैं तो आपको वैधि भक्ति का ये जो नियम है, भगवान को कभी ना भूलें और भगवान को सदैव स्मरण रखें, ये जो दो मुख्य नियम हैं इनका सदैव पालन आप करते रहें। तो अब इसका उदाहरण देने के लिए, इसका प्रमाण देने के लिए कि भाई जो वर्ण और आश्रम में जो लोग हैं वो वास्तव में इन नियमों का पालन क्यों करें, इन इन दोनों नियमों का, मुख्य जो नियम है इनका पालन क्यों करें, तो रूप गोस्वामी जी श्रीमद् भागवत से एक उद्धरण देते हैं और ये श्लोक जो आता है वो वास्तव में श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में आता है। तो 11वें स्कंद में राजा निमि को उपदेश देने के लिए एक चमस मुनि जो है वो राजा को बताते हैं कि ये चार वर्ण और जो चार आश्रम है ये वास्तव में भगवान के अलग अलग अंगों से उत्पन्न हुए हैं, भगवान के अलग अलग अंगों से उत्पन्न हुए हैं। अब ये क्या है? ब्राह्मण कहाँ से आए हैं? ब्राह्मण वर्ण कहाँ से आया है? भगवान के सिर से आया है। क्षत्रिय वर्ण कहाँ से आया है? भगवान की भुजाओं से आया है। वैश्य वर्ण कहाँ से आया है? भगवान के कमर से आया है। और शूद्र वर्ण पांव से आया है। इसी प्रकार से सन्यासी सिर से, वानप्रस्थ भुजाओं से, गृहस्थ कमर से और ब्रह्मचारी जो है वो पांव से आए। कहने का भाव ये है, ये उदाहरण देते हुए रूप गोस्वामी जी क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि हम ब्राह्मण भी हैं या यदि हम क्षत्रिय हैं या हम वैश्य हैं या शूद्र हैं या किसी भी वर्ण व्यवस्था में यदि हम आते हैं तो ये वर्ण वास्तव में कहाँ से आए हैं? ये वास्तव में भगवान से ही तो आए हैं। तो जो जो वस्तु हमारे स्रोत है, जो वस्तु हमारे उद्गम का कारण है, यदि हम उसे ही भूल जाएंगे तो कैसे चलेगा? तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी वर्ण व्यवस्था में आप आते हैं, किसी भी आश्रम व्यवस्था में आप आते हैं, उसका उद्गम कहाँ है? उसका उद्गम वास्तव में भगवान ही है। तो हर वस्तु यहाँ पर भगवान से ही आई है, इसलिए भगवान को निरंतर स्मरण करते रहना ये परम आवश्यक है। भगवान को भूलना ये वास्तव में ये उपयुक्त नहीं है, ये हमारे लिए वैदिक भक्ति में ये हमारे लिए अनुकरणीय नहीं है, ये हमारे लिए बताया नहीं गया है। तो इस तरह से ये बात यहाँ पर चर्चा की गई है। 18वें से लेकर 24वें अनुच्छेद में यही सब बातें बताई गई हैं। इस पर थोड़ा और विस्तार से आगे चर्चा की जा रही है। शरीर के विभिन्न भागों की तरह प्रत्येक वर्ण तथा आश्रम के भिन्न भिन्न कार्य हैं। अब आगे प्रभुपाद जी चर्चा करके क्या बता रहे हैं, जैसे ब्राह्मण जो है वो कहाँ से आए हैं, सन्यासी जो कहाँ से आए हैं, वो आए हैं भगवान के सिर से। तो भगवान के सिर से यदि वे आए हैं और सिर का कार्य क्या है? सिर का कार्य है चिंतन करना, मनन करना, इस प्रकार का कार्य है, मानसिक कार्य, चिंतन करना, आध्यात्मिक विषयों पर चिंतन मनन, ये सब जो है वो हमारे सिर का कार्य है। तो ये वास्तव में क्या है, ब्राह्मण और जो सन्यासी हैं ये सिर से आते हैं, उनका कार्य क्या है? वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करना।
और भगवान की ओर से भोजन स्वीकार करना। भगवान की ओर से भोजन स्वीकार करना मतलब क्या, कि जो ब्राह्मण श्रेणी का व्यक्ति होता है उसका कार्य क्या है, उसका कार्य है ये जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनका प्रचार प्रसार करना। भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, इस प्रकार से अलग अलग जो ग्रंथ है उनका प्रचार प्रसार करना। और ऐसा कार्य जो व्यक्ति करता है वो वास्तव में ब्राह्मण श्रेणी का कार्य करता है। तो उस ब्राह्मण व्यक्ति को यदि कोई व्यक्ति भोजन कराता है तो शास्त्रों में कहा गया है कि वो भोजन जो है वो सीधा भगवान को प्राप्त होता है। तो ब्राह्मण के क्या कार्य हैं, ब्राह्मण के कार्य हैं वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करना और भगवान की ओर से भोजन स्वीकार करना। तो ये भगवान ब्राह्मण के कार्य हैं। इसी प्रकार से क्षत्रिय का कार्य क्या है, क्षत्रिय का कार्य है, क्षत्रिय कहाँ से आते हैं, भगवान की भुजाओं से। भुजाओं का कार्य क्या है, रक्षा करना या युद्ध करना, तो माया के प्रहार से लोगों की रक्षा करना। तो क्षत्रिय जो होते हैं उनका वास्तव में उद्देश्य क्या है, उनका उद्देश्य केवल ये नहीं है कि जनता से टैक्स वसूल करना, केवल ये उद्देश्य नहीं है। टैक्स वसूल करते हैं लेकिन बदले में वो वास्तव में प्रजा को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सुरक्षा न केवल भौतिक सुरक्षा बल्कि आध्यात्मिक सुरक्षा भी। आध्यात्मिक सुरक्षा का अर्थ क्या है कि यदि उनके ऊपर कोई इस प्रकार का प्रहार किया जा रहा है जिससे उनकी चेतना का पतन हो रहा है तो उससे भी सुरक्षा करना। ये इस बात का ध्यान रखना कि प्रजा जो है वास्तव में भक्ति के कार्यों में लगी हुई है, आध्यात्मिक कार्यों में आगे सुचारू रूप से चल रही है, तो ये क्षत्रिय का कार्य है। और यदि आवश्यक हो तो बल प्रयोग करना। तो वैश्य का कार्य क्या है, अन्न उत्पादन करना, व्यापार करना, वितरण करना। शूद्र का कार्य क्या है, अन्य वर्णों की सहायता करना। तो ये सब चर्चा क्यों हो रही है यहाँ पर, रूप गोस्वामी जी यहाँ वास्तव में क्या बताना चाह रहे हैं कि अलग अलग वर्ण, अलग अलग जो आश्रम है उनमें अलग अलग विधि विधान बताए गए हैं, उनमें अलग अलग विधि विधान बताए गए हैं। जैसे ब्राह्मण का कार्य है प्रचार करना, क्षत्रिय का कार्य है रक्षा करना, वैश्य का कार्य है अन्न उत्पादन करना, उनका वितरण करना। तो अलग अलग विधियां, अलग अलग कर्तव्य कर्म जो है वो सबके लिए बताए गए हैं। लेकिन भगवान विष्णु को कभी मत भूलो और भगवान को सदैव स्मरण रखो। ये दो नियम यहाँ पर जब हम कर्तव्य पालन करते हैं तो ये दो नियम सदैव हमारे हमारे मस्तिष्क में रहने चाहिए। अब ब्राह्मण जो है वो प्रचार प्रसार करे तो वो इस बात को ध्यान रखे कि वास्तव में मेरा प्रचार प्रसार जो है वो भगवान को प्रसन्न करेगा। मैं भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूं। तो इसी प्रकार से क्षत्रिय जो है वो लोगों की रक्षा करता है तो क्यों, क्यों उसको ध्यान रहना चाहिए कि मैं भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहा हूं। वैश्य जो है अन्न उत्पादन करे, उनका व्यापार करे, उनका वितरण करे, दिमाग में क्या रहना चाहिए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूं। तो यदि हम ये कर्तव्य तो करें लेकिन दिमाग में ये बात ना रहे कि ये भगवान की संतुष्टि के लिए है तो ये वास्तव में हमारे लिए केवल और केवल श्रम ही है और उससे अतिरिक्त कुछ नहीं, उसका हमें आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। देखिए श्रीमद् भागवत में क्या लिखा है, पहले स्कंद का दूसरा अध्याय, हर किसी को अपने अपने कर्तव्य कर्मों में लगना चाहिए। ब्राह्मण को अपने में, क्षत्रिय को अपने में, वैश्य को अपने में, शूद्र को अपने में, किंतु ऐसे कर्तव्य पालन की पूर्णता, पूर्णता मतलब ऐसा कर्तव्य पालन वास्तव में पूर्ण कब कहलाएगा, तभी है जब भगवान हमारे कार्य से संतुष्ट हो। तो इसीलिए वो श्लोक बोला गया है, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित। सदैव भगवान का, भगवान विष्णु का स्मरण रखें, कभी उनको ना भूलें, कर्तव्य कर्म करते रहें, लेकिन मुख्य मूल उसका उद्देश्य क्या है, भगवान का स्मरण बनाए रखना। चलिए यदि मानव समाज अपने अपने कर्तव्यों का पालन करे एवं कृष्ण भावना भावित रहे तो समाज के सभी सदस्य शांतिपूर्वक एवं सुखपूर्वक रह पाएंगे। तो दोनों ही बातें हैं, हमें अपने कर्तव्यों का पालन भी करना है और कर्तव्यों का पालन किस भावना से करना है, भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। यदि इस दोनों प्रकार से हम कार्यशील हैं, कार्यरत हैं, कर्तव्य पालन भी कर रहे हैं और भगवान की प्रसन्नता को भी अपने मस्तिष्क में हमने उसका उस लक्ष्य को हम जानते हैं कि वास्तव में अंतिम लक्ष्य भगवान की प्रसन्नता है, इसलिए मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है, तो सारा संसार जो है, कोई भी समाज, कोई भी परिवार, यदि वो इस मानसिकता से अपना जीवन यापन करता है तो वो शांतिपूर्वक एवं सुखपूर्वक रह पाएगा। वैकुंठ भेजे बिना ही वास्तव में सारा संसार जो है वैकुंठ में परिणत हो जाएगा।
इसके लिए आपको आध्यात्मिक जगत जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यही इसी धरा धाम पर ही वैकुंठ बन जाएगा, मतलब आध्यात्मिक जगत बन जाएगा। चलिए अब अंत में ये जो दो स्लाइड्स हैं इन पर हम अपनी चर्चा यहाँ पर करके इसे कक्षा को यहाँ पर विराम देंगे। तो वैधि भक्ति के बारे में हमने चर्चा करी। वैधि भक्ति मतलब विधि विधान के अनुसार भक्ति करना। विधि विधान के अनुसार भक्ति करना मतलब कई कई विधि विधान है और विधि विधानों का पालन करते हुए हमारे मन में बात जो मूल रूप से ध्यान देनी चाहिए कि ये वास्तव में हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, हमें भगवान के स्मरण के लिए करना है। यदि केवल विधि विधानों का पालन मात्र करने के लिए आप विधि विधान का पालन कर रहे हैं और भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है तो विधि विधान पालन करने का कोई विशेष लाभ नहीं है। तो अब यहाँ पर वैदिक भक्ति का परिणाम जो है वो रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं कि जब हम वैदिक भक्ति करते हैं तो हम ये ना सोचें कि हमें वास्तव में इसका कोई भौतिक लाभ नहीं होगा। तो पहले वो भौतिक लाभ के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, तो उसका एक उदाहरण दे रहे हैं श्रीमद् भागवत से। इसमें कृष्ण और उद्धव जी का संवाद है। कृष्ण जी उद्धव जी से कह रहे हैं, शास्त्र अनुमोदित कार्यों के द्वारा जो व्यक्ति मेरी पूजा करता है वह स्वतः ही इस जगत में और परलोक में भी सुखपूर्वक रह सकता है। तो आप इस जगत में रह रहे हैं या स्वर्ग में रह रहे हैं या ब्रह्मलोक में रह रहे हैं या किसी अन्य लोक में रह रहे हैं, यदि आप शास्त्रों द्वारा अनुमोदित कार्य कर रहे हैं और वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, भगवान की पूजा की भावना से वो कार्य कर रहे हैं, तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि वो व्यक्ति वास्तव में इस जगत में भी और परलोक में भी सुखपूर्वक रह सकता है। जो व्यक्ति जिस भी कार्य में लगा है वह उसी में लगा रहे, उसे चाहिए कि वह कृष्ण भावना भावित होकर अपने कर्मों के फल से भगवान कृष्ण की केवल पूजा भर करे, इससे सारी स्थिति संभल जाएगी। अब आप में से ये सब चर्चा सुनकर कोई व्यक्ति पूछेगा कि प्रभु जी मुझे बताइए कि मैं क्या ब्राह्मण हूं, मुझे क्या प्रचार प्रसार में लगना चाहिए, या मैं कोई क्षत्रिय हूं कि मुझे लोगों की सुरक्षा में लगना चाहिए, या मैं कोई वैश्य हूं, या मेरी स्वभाव क्या है और मैं किस स्वभाव के कर्तव्यों का पालन करूं। तो उसी बात को समझाने के लिए प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि यदि आपको अपना स्वभाव नहीं भी मालूम है, आप ब्राह्मण स्वभाव के हैं या क्षत्रिय स्वभाव के हैं या वैश्य स्वभाव के, कोई भी स्वभाव आपको अभी स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में मेरा स्वभाव क्या है, तो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं चिंता ना करें। कोई भी कार्य जो इस समय आप कर रहे हैं वो आप उसे इस प्रकार से करें कि वो आप भगवान की पूजा की तरह कर रहे हैं या एक भगवान की पूजा के रूप में आप उस कार्य को कर रहे हैं। तो पूजा जब हम भगवान की करते हैं तो बड़े श्रद्धा से, बड़े भाव से, हर छोटी बड़ी बारीकी का ध्यान रखते हुए, कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए, त्रुटि हो जाए तो उसको ढंग से हम संभाल लें, कर लें, बहुत मन लगाकर इस प्रकार से हम जब भी कोई पूजा करते हैं, कोई भगवान की अनुष्ठान करते हैं तो इस प्रकार से करते हैं। तो पूजा की तरह अपने कार्य को करने का अर्थ क्या है, भगवान की पूजा के समान अपने कार्य को अर्थ करने का क्या है कि हम जो भी कार्य करें उसमें मन में भाव ये रहे कि हमारे कार्य से वास्तव में भगवान प्रसन्न हो। तो कोई भी कार्य, भले ही आप न जानते हो कि आप ब्राह्मण हो कि वैश्य हो कि क्षत्रिय हो कि शूद्र हो, आपको ना मालूम हो, लेकिन जो भी कार्य आप कर रहे हो यदि आप उसे भगवान की प्रसन्नता का ध्यान रखते हुए यदि आप उसे करते हैं तो वो वास्तव में पर्याप्त है, इससे सारी स्थिति संभल जाएगी। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इससे सारी स्थिति संभल जाएगी, मतलब आपका ये जगत भी सुखमय हो जाएगा और परलोक भी आपका सुखमय हो जाएगा। तो वैदिक भक्ति का परिणाम ये बता रहे हैं। कहने का भाव ये है कि अनेक अनेक विधि विधान है शास्त्रों में और आपको संभव का शायद मालूम भी ना हो कि कितने कितने विधि विधान है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यदि आपको नहीं भी मालूम है और कोई भी कार्य आप यहाँ इस समय कर रहे हो जो शास्त्रों द्वारा अनुमोदित है, मतलब ऐसा कार्य ना करें जैसे कोई कसाई का कार्य है या कोई शराब बेचने का कार्य है, ऐसा कोई शास्त्र विरोधी कार्य ना करें, लेकिन शास्त्र में सम्मत है, दिया गया है, कोई ठीक ठाक कार्य है यदि आप उसे कर रहे हैं लेकिन भगवान की प्रसन्नता के भावना से आप कर रहे हैं तो उससे आपका ये परलोक भी, ये जगत भी आपका सुधरेगा, सुखमय होगा और परलोक भी आपका सुखमय और शांतिपूर्वक हो जाएगा। अब ये तो भौतिक परिणाम उन्होंने बताया, अब वैदिक भक्ति करने का उच्चतम परिणाम, ये इस जगत में सुख और परलोक में सुख, ये तो एक भौतिक परिणाम हो गया, लेकिन उसका सबसे सुंदर परिणाम, उच्चतम परिणाम क्या है? शास्त्रों द्वारा स्वीकृत कोई कार्य जो भगवान की तुष्टि के उद्देश्य से किया जाता है, संत गुरुओं द्वारा
भक्ति का विधान माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में नियमित रूप से भगवान की ऐसी सेवा करता है तो वह धीरे धीरे भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति के पद को प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर उच्चतम परिणाम क्या बताया गया है, उच्चतम परिणाम बताया गया है शुद्ध प्रेमा भक्ति, शुद्ध प्रेमा भक्ति। तो कहने का अर्थ यह है प्रिय भक्तों के शास्त्रों के जो अनेक अनेक विधि विधान जो बताए गए हैं उनमें सबसे मूल विधि विधान क्या है, भगवान का स्मरण बना रहे और भगवान को कभी ना भूले। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वो जो शास्त्रों में जो विधि विधान बताए गए हैं वो बिल्कुल भी हमें ध्यान नहीं देने। तो शास्त्रों के विधि विधानों का जितना पालन हम कर सके उनको करें, इस भावना से करें कि भगवान की प्रसन्नता भगवान की प्रसन्नता ना रह जाए, भगवान की प्रसन्नता बनी रहे, भगवान की संतुष्टि बनी रहे। तो यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यदि हम इस तरह से अपना जीवन यापन करेंगे तो हम अपने वास्तव में उच्चतम परिणाम को प्राप्त करेंगे, और वो उच्चतम परिणाम क्या है, भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति। तो भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति का पद हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इससे देखिए यहाँ पर ये बात जो है ये 26वें 27वें पेज नंबर पर इस आपकी पुस्तक में बताया गया है, अनुच्छेद संख्या 25। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने आज मुख्य रूप से वैधि भक्ति के बारे में हमने चर्चा करी। वैधि भक्ति साधन भक्ति का एक प्रकार है। साधन भक्ति का एक प्रकार का मतलब क्या है कि ये इंद्रियों द्वारा की जाती है लेकिन शास्त्रों के और गुरु के आदेशों के अनुसार की जाती है, विधि विधानों द्वारा की जाती है। शास्त्रों में अनेक विधि विधान हैं लेकिन उन सभी विधि विधानों में जो मूल जो विधि विधानों के जो राजा हैं वो क्या है कि भगवान का स्मरण सदैव बना रहे, भगवान का स्मरण कभी ना भूलें। तो ये इन बातों को ध्यान रखते हुए हम विधि विधानों का पालन करें, और इन विधि विधानों का पालन जब हम करते हैं तो हमें न केवल इस जगत में हम सुखी बनते हैं बल्कि हमारा परलोक भी सुधरता है, और उच्चतम परिणाम अर्थात भगवान की प्रेमा भक्ति भी हम इस प्रकार से अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की कक्षा को हम यही विश्राम देंगे। भक्ति सामरत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। यदि अब आपके साथ कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी हाँ हरे कृष्णा मंजू माता प्रभु जी, बहुत दिनों जी बाद। जी बहुत बहुत महीने हो गए हैं मुझे, और आज जी मेरे आनंद का कोई सीमा मैं बता नहीं सकती। आपको मुझे कितनी प्रसन्नता और कितनी खुशी हो रही है आज, चलिए बहुत बहुत और धन्यवाद। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन मैंने आपका क्विज पहले भी किया, ऐसे हाँ ही मैंने थोड़ा देखा, बहुत मैंने थोड़ा देखा। बहुत जी मैं कोशिश कोशिश करती रही, इससे मैं कम से कम उससे जुड़ी रहूं। जी जी बहुत अच्छे, जी बहुत अच्छा भाव है, बहुत अच्छा जी प्रयास है। जी प्रभु जी, आज आनंद बस मैं आपको बता नहीं सकती कितना अच्छा लग रहा है मुझे। मैं दिल से बहुत खुश हूँ, जी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो आज आपने बताया है कि जी सदैव सदैव स्मरण भगवान कृष्ण का, सदैव हाँ स्मरण, और प्रत्येक जी कार्य में उसकी जो प्रसन्नता है उसकी, वो वही ध्यान और रखना। जो उसकी संतुष्टि के लिए मुझे करना है, तो मेरा जीवन ही वैकुंठ बन जाएगा। जी, बहुत ये अच्छा लग वास्तव में रहा है ये वैधि भक्ति का मूल है। वैधि जी भक्ति मतलब विधि विधानों के अनुसार करना है, लेकिन जी विधि विधानों में कई बार होता क्या है कि भक्त जो है वो मूल बात जो है भूल जाते हैं। जी मूल बात क्या है, भगवान की प्रसन्नता। जी तो वो ध्यान रखते हैं कि भाई हमें हमें वास्तव में शाकाहारी भोजन करना जी है, तो शाकाहारी भोजन करते करते वो बेचारे ये भूल जाते हैं कि वास्तव में भगवान को भोग भी लगाना है। जी तो विधि विधानों का पालन तो करना है लेकिन विधि विधानों का पालन करते हुए मूल बात जो है वो ध्यान रखनी है। तो इसलिए हम चूंकि वैधि भक्ति पर चर्चा है तो विधि विधानों का पालन करते हुए किस प्रकार की चेतना रखनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए ये सब चर्चा जो है वो आज की गई। जी बहुत अच्छा रहा जी प्रभु जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, अच्छा धन्यवाद। अच्छा जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हाँ तो अन्य प्रभु जी भक्ति आज की बताएं। क्लास तो बहुत अरे ही अच्छी रही, वाह चलिए बहुत बढ़िया। ये बहुत कौन, अच्छा, बहुत आनंद आया। मैं अच्छा जी अतुल जी से पहले किसने बोला था आप? रियली रियली प्रभु इट जी वाज ए सुमन सुमन वंडरफुल सुमन ने बोला था, जो अच्छा जी फंडामेंटल सुमन माता जी, क्लियर हो गए। सुमन चौहान जी, जी जी प्रभु जी, आज अच्छा तो जी बहुत ही चलिए अच्छी लगी क्लास। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया।
बहुत अच्छी बात है जी। भगवान की कथा और वो भी रूप गोस्वामी जी जैसे जो परम वैष्णव है उनके द्वारा लिखित, उनके द्वारा एक प्रकार से गाइड करी हुई जो बातें हैं वो वास्तव में चेतना को ऊपर ले जाती हैं और वास्तव में बड़ा अच्छी लगती हैं कथाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका जो प्रतिक्रिया है मुझे बड़ी उससे प्रेरणा मिली, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ प्रभु जी, बताओ, एक छोटा सा प्रश्न मेरा भी है। अवश्य जी अवश्य पूछिए। प्रभु जी, जो हमारे चार वर्ण दिए हैं और उसके अलावा जो विभिन्न और धर्म हैं, जातियां हैं, उनको किस श्रेणी में लेते हैं? देखिए मुख्य रूप से हाँ कर जी, देखिए मुख्य रूप से यदि आप देखेंगे जो चार वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये तो वर्ण है, ये तो एक सामाजिक वर्ण व्यवस्था है जिसमें हम समाज में जो हमारी एक दूसरे की जो जरूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करते हैं। जैसे समाज में आवश्यकता है दो। शिक्षा की, वो हाँ शिक्षा की जो आवश्यकता है वो कहाँ से पूर्ण होती है? ब्राह्मणों से। समाज में आवश्यकता है सुरक्षा की, सुरक्षा की आवश्यकता कहाँ से पूर्ण होती है? क्षत्रियों से। समाज में आवश्यकता है अन्न उत्पादन की, वाणिज्य की, व्यापार की, वितरण की, वो पूरी होती है वैश्यों से। समाज में आवश्यकता है श्रमिकों की, वो पूर्ण होती है शूद्र समाज से। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है ये एक प्रकार से हो सकता है कि वर्तमान समाज में इनको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के नाम से ना जानते, लेकिन आप ये तो जानते हैं कि मान लीजिए कोई देश है, जैसे उदाहरण के रूप से आप देश लीजिए, अमेरिका देश लीजिए। अब अमेरिका देश में क्या वहां पर सेना नहीं है? वहां पर सेना है, सिपाही है, तो वो क्या हो गए? क्षत्रिय हो गए। वहां पर क्या राजनेता नहीं है? वहां पर राजनेता भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, वो हो गए क्षत्रिय। वहां पर क्या समाज का दिशा निर्देश करने के लिए कोई एक तरीके से इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं है, बुद्धिजीवी वर्ग नहीं है? वो भी है, वो ब्राह्मण का कार्य करते हैं। तो कहने के लिए अन्य जो धर्म है या जो अन्य जो संस्कृतियां हैं, अन्य जो सिविलाइजेशन हैं, उनमें भी एक प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की व्यवस्था अनजाने में पहले से ही है, क्योंकि ये व्यवस्था हर जगह होनी ही होनी है एक प्रकार से। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं ठीक है प्रभु, क्या? थैंक। हाँ जी। लेकिन मुख्य रूप से वहां पर और हमारी वर्ण व्यवस्था में जो मुख्य रूप से जो भेद है वो ये है कि वो वास्तव में सैनिक का कार्य तो करते हैं, लेकिन वो सैनिक का कार्य वहां पर जब करेंगे तो इस बात को नहीं समझेंगे कि ये हमें वास्तव में भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तो वो केवल केवल अपने कर्तव्यों में ही उलझे रह जाते हैं और आगे उनकी आध्यात्मिक प्रगति इस कारण से नहीं हो पाती। जी ठीक चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मैं देख रहा हूं कि आज हमारे साथ एक दो नए लोग भी जुड़े हैं। मानसी काकानी माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मुझे ध्यान जी पड़ता है प्रभु आप जी। महाराष्ट्र से जुड़ रही हैं हमारे साथ। जी हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत आप जी। चलिए, और कोई आपको कक्षा आज पसंद आई? आपको आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपको लाभ हुआ कक्षा का मानसी माता जी? जी प्रभु नहीं जी, आज की कक्षा बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के ये सारी बातें। मुझे चलिए पहले से नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ना था, फिर आज पता चला कि आप वही पढ़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। चलिए चलिए, इसके पहले की क्लासेस भी आप YouTube पर देख सकती हैं, सुन सकती हैं, जी प्रभु और जी, आगे की तो आप कर ही सकती हैं, उसमें तो कोई रोक टोक है ही नहीं। लेकिन पहली हाँ क्लासेस जी जो है वो YouTube पे नेक्टर ऑफ डिवोशन हिंदी करके प्लेलिस्ट होगी, वहां पर मिल जाएगी आप। जी प्रभु जी। चलिए, आप मेरी जानकारी में शायद आप इस्कॉन से जुड़ी हुई नहीं है पहले से, आपका ये एक प्रकार से पहला अवसर है जब आप शायद इस प्रकार की कक्षाएं कर रही हैं, क्या मैं जी ठीक कह जी रहा प्रभु हूं? जी, हाँ जी चलिए चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अन्य कोई प्रश्न हो, अन्य किसी भक्त का प्रश्न हो तो अवश्य पूछें जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रीति माता जी, हरे कृष्ण जी। सर, आज का लेसन तो इजी था, मतलब अच्छे से समझ में आ गया। इजी था? अच्छा इजी था, तो फिर आप मुझे एक बात बताइए, साधन भक्ति की परिभाषा बताइए। जो साधनों से हम करते हैं वही हाँ भक्ति है। चलिए, हाँ अब वो साधन क्या है?
वो साधन क्या है? साधन जैसे गुरु का स्मरण, कीर्तन, फिर अपने हाँ इंद्रियों से जो हम करते हैं वो सब हाँ साधन इंद्रियों से जो भक्ति कर, में, इंद्रियों का साधन बनाकर जो करते हैं वो साधन भक्ति। और मन से जो करते हैं वो सब साधन भक्ति है। हाँ मतलब इंद्रियों का गुरु साधन की, बनाकर जो करते हैं वो साधन भक्ति है, उसका उद्देश्य क्या है? भगवान की भाव, भाव भगवान का प्राप्त। भाव प्राप्त करना। अच्छा, ये भाव जो है वो पहले से उपस्थित है या विकसित करना पड़ता है? नहीं सर, है पहले से है, लेकिन पहले से। वो हाँ अच्छा इसलिए ठीक है, वैधि वैधि भक्ति की परिभाषा बताइए। सर वैधि नेक्स्ट क्लास मतलब में बताऊंगी वापस कोई पढ़ के। बात नहीं, वैधि कोई बात मतलब नहीं। देखिए हाँ, मैं इसलिए आपको बता रहा विधि हूँ, विधानों से हम लोग करते हाँ हैं। विधि हाँ विधानों से जो करते, मैं आपसे करते हैं। इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कक्षा में समझ में आ जाएगा, लेकिन बाद में मैं अलग से आपको अगर एकदम से पूछ लूंगा तो आप चकर चकर खा जाएंगे। तो नाम सुनकर वो परिभाषा याद आ जानी चाहिए, इस तरह से आप अभ्यास कीजिए। हाँ शुद्ध सर, भक्ति की परिभाषा, वैधि भक्ति की परिभाषा, साधन भक्ति की परिभाषा, शुद्ध भक्ति के कितने प्रकार हैं, शुद्ध भक्ति के कितने लक्षण हैं, ये छोटे छोटे बिंदु जो है वो एक दो पेज पर संक्षेप में लिख लेंगे, मन में मनन करेंगे तो ध्यान रहेंगे। जी हाँ सर, ओके। चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद। फिर हाँ हरे अगली कृष्ण प्रभु जी। अगले बुधवार को पुनः मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हरे थैंक यू कृष्ण सर, प्रभु हरे जी, कृष्ण, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण जी, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण, हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी, हरे कृष्ण जी, प्रभु हरे जी, कृष्ण हरे प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, जय कृष्ण, श्री राधे कृष्ण गुरु जी। जय श्री राधा कृष्ण माता हाँ गुरु जी, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाती, मन इतना भर जाता है, पता नहीं बोलना ही नहीं चाहता जी। मेरे से कुछ, नहीं, आप मन इतना को मन को भरे रखिए, चिंता मत कीजिए, फिर पूछ इतना लीजिए। ढंग से गुरु जी बस कुछ नहीं बोल रहे, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कहाँ से जुड़ गए पता नहीं। जी, हरे कृष्ण।